आपको स्लाइड चाहिए, स्लाइड चाहिए ताकि मुझे पता चले कि वहां पे कौन सी स्लाइड आ रही है। अब इसको हम यहां से पढ़ते हैं। देखिए, द लास्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी वाज अ टर्बुलेंट टाइम फॉर इंग्लैंड। Following the English Civil War's bloody end, the country was ruled by the Puritan Oliver Cromwell, and after his death, his son Richard, the English Protectorate दूसरा नाम है British Commonwealth का, ठीक है, उसी का दूसरा नाम है। इसी टाइम नेट का मसला, मुझे
ये देखो बेटा, स्टुअर्ट फैमिली को जब निकाला गया ना, स्टुअर्ट फैमिली सारी की सारी कैथोलिक नहीं थी। आपको पता है स्टुअर्ट फैमिली के अंदर कुछ प्रोटेस्टेंट्स थे, जो स्टुअर्ट फैमिली के प्रोटेस्टेंट फैक्शंस थे उनको जब क्रॉमवेल ने वहां से एक्सपर्गेट किया, उन्होंने जाके बना ली आयरलैंड के अंदर, और उस एक एलिजेंट्स के फॉर्म में उनकी लैंड्स को भी कॉन्फिस्केट किया गया, उनके साथ बड़ा हार्श ट्रीटमेंट किया गया, इवन कुछ को मुलक बदर भी किया गया आयरलैंड के अंदर से। ठीक है, अच्छा अब इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा ये आपके पास नेक्स्ट आता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, कुछ कॉजेस, इसके मेन इवेंट्स और लेगेसी को हम पढ़ते हैं। अच्छा अब स्ट्रेटेजी की अगर कॉजेस की बात करें, हमने कुछ डिस्कस की थी, आज दोबारा करते हैं। देखिए यूरोप का अगर आप बैटल ग्राउंड देखें, यूरोप की ज्योग्राफी देखें, तो आपको वहां पे कांस्टेंट पावर स्ट्रगल नजर आती है। पावर स्ट्रगल क्या थी कि तीन इमर्जिंग पावर्स हैं, एक तरफ फ्रांस है जो खुद को एक्सपेंड करना चाह रहा है, एक तरफ ब्रिटेन है जो अपना बैलेंस ऑफ पावर अचीव करना चाह रहा है, और एक तरफ डच रिपब्लिक है जो कि फ्रांस के बहुत ज्यादा डिवोइड। यार कोई लैपटॉप इसका चेंज करें। सर सलामकुम सर सर ये रिपीट कर दें काइंडली सर। ताकि इनका भी हरिश्नाम कर भी सीधा इसका सामने खड़े रहो, फुल सिग्नल पकड़ते नहीं वो होगा, मैंने यहाँ से
अभी शेयर हो गई इसके बाद वन मैं करना पड़ेगा नहीं बोले आप लोग का रूम चेंज करते सोचना तो नहीं पड़ा सर पांच मिनट दें आप लोग फिर वहाँ पे ऐसे होकर वहाँ पर ट्राई करते हैं ठीक है ऑनलाइन मेरे बच्चों को बता दो कि मैं अपने रूम चेंज कर रहे हैं ऑप्शन आ रहे हैं सुन रहे हैं ये लेक्चर दोबारा से सर शुरू करना पड़ेगा आप भी जरा अब ये हो गया इसका इसको पोस्ट करने को ये टेक ऑन पोस्ट हेलो टेक ऑन यो आप क्या आई मीन ये लास्ट में ये चीज है आप मुझे जैसे कर दे क्या हुआ पैकेज मैंने अभी किया एडा भी नहीं मैं भूल चलो बेटा आप कर रहे हैं स्टार्ट कॉजेस पहले स्टार्ट करते हैं इसकी कॉजेस को हमने कैटेगराइज किया नंबर वन स्ट्रेटेजिक कॉजेस में और ग्लोरियस रेवोल्यूशन एज अ होल आपको 20 नंबर का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा तो ये एक डायमेंशन से पूछा जाएगा या इसकी कोई एक सिंगल कैटेगरी ऑफ कॉज पूछ लेगा या इसकी पूछ लेगा प्रीलूड टू ग्लोरियस रेवोल्यूशन के रास्ता बता दें किस तरह से इवेंट चले
और अल्टीमेटली ग्लोरियस रेवोल्यूशन मटीरियलाइज हुआ, या फिर इसके आउटकम्स आ जाएंगे या इसकी लेगेसी पूछी जाएगी। ऐसा नहीं होगा राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ग्लोरियस रेवोल्यूशन, तीन चार कॉजेज लिखे, इफेक्ट्स लिखा, लेगेसी, इसी एक डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर इसकी कॉजेज की बात करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉजेज में पहले इंपैक्ट स्ट्रेटेजिक थी, इसी तरह इसके साथ कुछ सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं, जिसमें रिलीजन भी आ जाता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो ब्रिटिश कम्युनिटी थी, दे वर थ्रेटेंड बाय द रिवाइवल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। ओके, देखें पॉपुलेशन की बात करें जनरल, तो कोई भी इंसान एब्सोल्यूटिज्म को सर्वाइव नहीं कर सकता, कि जहां पे आपको बोलने की आजादी नहीं है, आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स आपसे कॉन्फिस्केट कर लिए जाए, या इवन के जुडिशरी के अंदर अगर कहीं पर जुडिशरी आपको रिलीफ दे रही हो तो बाहर से इंटरवीन करके आपका वो भी जो फंडामेंटल राइट है आपसे कॉन्फिस्केट कर दे, ठीक है। तो पहला बड़ा थ्रेट था राइजिंग एब्सोल्यूटिज्म, और ये एब्सोल्यूटिज्म किसकी वजह से थी, जेम्स की वजह से, ठीक है, जेम्स टू की वजह से, क्योंकि वो आपके पास पार्लियामेंट के साथ क्लैश में आ रहा था और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को निगेट कर रहा था। दूसरा बड़ा फैक्टर यहां पे आ जाता है यूरोपियन पावर स्ट्रगल, अब आपको पता है यूरोप के अंदर तीन बड़े एलिमेंट्स थे, सबसे बड़ा ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद हॉलैंड, ठीक है, और इन तीनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे। कौन से इंटरेस्ट थे? कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हमेशा आपको इनसिक्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, और इस तरह एक स्टेट दूसरी स्टेट के लिए इनसिक्योरिटी का जरिया बनती है, थ्रेट की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे अगर हम देखें बैटल जो तसल थी, दैट वाज बिटवीन कैथोलिक फ्रांस वर्सेस प्रोटेस्टेंट हॉलैंड। दूसरी आपको यहाँ पे पावर स्ट्रगल नजर आएगी बिटवीन प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन या प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड वर्सेस कैथोलिक फ्रांस, आपके पास ये बेसिकली यहाँ पे मेजर जो बैटल ग्राउंड थे। तीसरा बड़ा एलिमेंट था यहाँ पे, वो था फ्रेंच एक्सपेंशनिज्म। ठीक है, ये वो तीन फैक्टर्स थे जो शो करते हैं कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन से पहले यूरोप के अंदर एक बड़ा डायनेमिक पावर स्ट्रगल चल रहा था, जो कि बेसिकली कहां से इनफिल्ट्रेट हो रहा था, ड्यू टू रिलीजियस डिफरेंसेस। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर हमारे पास आता है, दैट इज मोटिव्स ऑफ विलियम। अब विलियम क्या चाहता था, टू एक्सपैंड हिज इन्फ्लुएंस नंबर वन, और नंबर टू वो ब्रिटेन के साथ अलायंस में आना चाहता था ताकि फ्रांस की बढ़ती हुई ताकत को किसी तरह से चेक कर सके। फॉर्मिंग एन अलायंस विद ब्रिटेन, इसी तरह अगर हम चौथे स्ट्रेटेजिक फैक्टर की बात करें तो दैट वाज, ये इंग्लैंड के अंदर से सेंटर था, वो था जेम्स अनपॉपुलर पॉलिसी। ठीक है, आपको पता है जेम्स के ज्यादातर लॉयलिटीज किसके साथ थी, फ्रांस के साथ, और फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज प्रीडोमिनेंटली
ठीक है स्टूडेंट्स, कि वहां पे आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नोबल लीग या लीग कोटी, चहलगाने तुर्क भी इनको ना कहते हैं, पर्शियन का नाम है। इसी तरह ब्रिटेन कम्युनिटी के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो लीग थी ना, उनके सात मेंबर्स बड़े पावरफुल थे जिन्हें कहते थे इमोर्टल सेवन। क्या कहते थे? इमोर्टल सेवन। इन्होंने लेटर लिखा था विलियम को और उसको इनवाइट किया कि देखें हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा बजाय ये सर हमें नजर नहीं आ रहा, देयर इज नो स्क्रीन नीदर वॉइस। के साथ अपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, लेकिन जेम्स ने पब्लिक इंटरेस्ट को क्या कर दिया, निगेट कर दिया और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके किन के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश किए, फ्रांस के साथ। तो ये एक फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी थी ना, कि वो लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया और लोग आम पॉपुलेशन के अंदर रिजेंटमेंट की तरफ लेके गया पॉपुलेशन को। अब दो देखो, एक तो था रिलेशनशिप का, नंबर दो ये जो उसकी फॉरेन अलाइनमेंट थी ना फ्रांस के साथ, अगर तो सिर्फ उसकी अपनी हद तक होती इट वाज वेल एंड गुड, लेकिन इसकी वजह से ज्यादा हर्ट कौन हुई, नोबल एलीट। और ब्रिटेन कम्युनिटी के अंदर ज्यादा जो प्रिविलेजेस थी वो नोबल एलीट के पास थी। नोबल एलीट का खुद को मार्जिनलाइज करना फ्रॉम मोनार्की अल्टीमेटली डायरेक्ट वजह बना के जिन्होंने जाके इन्वाइट किया विलियम्स को। विलियम्स को अगर इतनी सपोर्ट ना मिलती या विलियम्स को अगर इतना एतमाद ना दिया जाता कि आप आएंगे आपके लिए बिल्कुल राह हमवार है हम आपको सपोर्ट करेंगे, और एवरी नाइन्थ आउट ऑफ टेन ब्रिटन्स दे आर इन योर सपोर्ट। इस सपोर्ट के बाद वो छह माह उसको लगे दोबारा से असेस करने में और सारी चीजों को एनालाइज करने में, फिर उसने ब्रिटेन में हो गया। इमोर्टल सेवन ये जो ब्रिटिश लीड थी ना, जो मोनार्की के साथ बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड था, उनको लगा था कि जो हमारा रिलीजन है ना वो बड़े खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि जो हमारा माशाल्लाह मोनार्क है वो हमारी डिजायर्स के खिलाफ जाके हमारी जो रिलीजियस एफिलिएशंस हैं उनको पसे पोई डाल के इसके साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है इसके साथ। अगर देखें बड़ा वायलेंटली अपनी वैल्यूज के साथ जो बाउंड लोग थे इनको कहते हैं कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, तो उससे क्या किया था, रिवॉल्ट किया था, रिफॉर्मिस्ट भी शाबाश इनको कहते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे 100% प्रोटेस्टेंट थे। अगर कोई कैथोलिक होता जेम्स के साथ खड़ा होता वो विलियम के साथ। इसी तरह हमारे पास कुछ सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज हैं, सबसे बड़ी कॉज रिलीजियस डिफरेंसेस, ठीक है। जी जी सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑफिस नहीं था, सोसाइटी के अंदर भी कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने इस रेवोल्यूशन की तरफ लीड किया।
50 के अंदर मौजूद थे और आम पॉपुलेशन के साथ लिंक करते थे. सबसे बड़ा फैक्टर क्या था? रिलीजियस डिस्ट्रैक्शंस या रिलीजियस डिफरेंसेस थे. नंबर वन. नंबर टू, क्या पब्लिक जेम्स के साथ खड़ी थी? नहीं, हम कह सकते हैं पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन. जी, पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन या पब्लिक रिसेंटमेंट, ये भी एक दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर. इसको पब्लिक रिसेंटमेंट भी हम कह सकते हैं. ठीक है. इसी तरह अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि पहले तो लोगों को ना ये लग रहा था कि जो जेम्स टू है ना, उसका कोई कानूनी वारिस नहीं है, उसके पास कोई औलाद नहीं थी. और आमतौर पर ब्रिटेन लॉ के अंदर जरूरी था कि किसी भी मोनार्क के पास एक मेल हायर होना चाहिए जो उसको आगे जो थ्रोन को एक्सीड करे. इसका रूल बड़ा शॉर्ट लाइंड है और कुछ अरसे बाद जब इसके पास औलाद भी ऑटोमेटिकली थ्रोन की नेचुरल हिस्से वो इसे चली जाएगी. लेकिन हुआ क्या कि उसकी जो सेकंड वाइफ थी, आई थिंक 6 to 7 मंथ्स पहले जब उसके ग्लोरियस रेवोल्यूशन पर उसके हाथ बेटा हुआ, प्रेगनेंसी जब निकली, हमारे यहाँ इंपोर्टेंट गवर्नमेंट होती है ना, उन्होंने कहा कि ये ओरिजिनल बेबी नहीं है, ये इंपोर्टेड बेबी है और ये कॉन्स्पिरेसी है ब्रिटेन मोनार्की के अगेंस्ट, यानी कि एक फॉरेन बेबी ला के उसको बेड के ऊपर बिठा दिया गया है. ठीक है, तो इस तरह से उसकी जो नेचुरल लीगल हाइट था उसको लेजिटिमेट कंसीडर नहीं किया गया. दूसरा इसके अंदर फैक्टर भी क्या होगा? परसेप्शन ऑफ बोर्ड मार्केट. परसेप्शन ऑफ जेम्स फिर इसके अंदर लोगों के अंदर लोगों को बगावत के लिए उकसाना, लोगों को रेवोल्यूशन की तरफ लेके जाना और लोगों को मोनार्की के अगेंस्ट करने में कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कुछ एजुकेशनिस्ट का बहुत बड़ा रोल था. ठीक है, तो वो लॉक पॉलिटिकल आइडिया जिसके अंदर आपको जॉन लॉक बड़ी एक सेंट्रल फिगर हैं, उन्होंने कहा था कि मोनार्की अगर मोनार्की इललेजिटिमेट पॉलिसीज लेके आता है, ह्यूमन राइट्स को कॉन्फिस्केट करता है या लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो उस केस में रेवोल्यूशन की तरफ जाया जा सकता है. यानी उसने रेवोल्यूशन को एज अ पॉसिबिलिटी उसने डिस्कस किया. रोल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड राइटर्स. ठीक है, इसी तरह से कुछ ट्रेड और कमर्शियल इंसेंटिव्स भी थे. अब जो ब्रिटिश लीड थी उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे हॉलैंड के साथ. ठीक है, और फ्रांस की ब्रिटेन के साथ अलाइनमेंट, उनके इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक अलाइनमेंट थी, तो बुरी तरह की तोड़ दी थी. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस रेवोल्यूशन की तरफ गाइड किया. ठीक है, तो ये फैक्टर्स अगर कॉजेज आती हैं तो इस तरह आप इनको ऑर्गेनाइज करेंगे. अगर और भी कॉजेज हैं तो उनको इन्वेट किया जा सकता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट यही कि आपके पास कुछ स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को डिस्कस किए बगैर कभी भी ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन मुकम्मल नहीं हो सकता. इसकी रोड सी ब्रिटेन की ज्योग्राफी के अंदर है या यूरोप की पावर स्ट्रगल के अंदर है. ठीक है, इसको जल्दी से इसको पढ़ते बाद में डिटेल में तो जल्दी से डिस्क्राइब कर कुछ स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स बता दें. शाबाश, एब्सोल्यूटिज्म. एक सेकंड, आप बता दें एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है.
पॉपुलेशन वो नहीं चलती थी, वो चलते थे लड़ाई और लोगों की ओपिनियन, लोगों का स्टेक, लोगों के राइट्स, लोगों की जो लिबर्टी है वो मैटर नहीं करती। आप यासी राम मुझे बता दो कुछ स्ट्रेटेजिक फैक्टर। एक तो उन्होंने बताया कि राइज ऑफ एब्सोल्यूटिज्म कि जिसने अच्छा अच्छा मुझे अबू बकर आप बता दो कि एब्सोल्यूटिज्म को जो राइज था वो पर्टिकुलरली ग्लोरियस रेवोल्यूशन के साथ किस तरह लिंक करता है। क्या किया, पब्लिक रिजेंटमेंट को प्रमोट किया और पब्लिक के जो सेंटीमेंट थे और इस तरह आप देखें ना कि एक बाहर का बंदा आगे जब इसको रूल कर रहा है, आमतौर पे तो क्रिश्चियनिटी के अंदर लेजिटिमेसी नहीं है कि कोई और कंट्री का बंदा आके रूल करे, लेकिन उन्होंने किस लिए इसको लेजिटिमेसी दी, जस्ट बिकॉज दे वर अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म। देखो पब्लिक राइट्स उनके रिलीजन के साथ जब क्लैश करने लगे तब उन्होंने इस चीज के दूसरा को स्ट्रेटेजिक फैक्टर बता दें। शाबाश, पावर स्ट्रगल्स कौन कौन से मुझे पता है, मेजर एक्टर्स कौन से, ब्रिटेन और इनके मुझे रिलीजियस बता दें क्या क्या इनकी पॉपुलेशन थी। ब्रिटेन क्या था प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट और फ्रांस क्या था कैथोलिक, ठीक है, और हॉलैंड प्रोटेस्टेंट। तो कॉन्फ्लिक्ट किन किन के दरमियान थे, फ्रांस और ब्रिटेन और फ्रांस और ब्रिटेन। अच्छा फ्रांस और ब्रिटेन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये आता है, कॉन्फ्लिक्ट पॉपुलेशन की लेवल पे थे, गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं थे। गवर्नमेंट किन के साथ अलाइन थी, गवर्नमेंट लेवल पे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे क्योंकि जेम्स की सारी पॉलिसी ही प्रो फ्रांस थी, तो गवर्नमेंट के लेवल पे तो मामला ठीक थे। लेवल खराब था कहां पे आके, पब्लिक लेवल पे, तो पब्लिक इस फॉरेन पॉलिसी को लेजिटिमेसी नहीं दे रही थी, पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं थी, ठीक है। और दूसरा इसके बाद मोटिव्स ऑफ विलियम, जो विलियम था वो क्या करना चाहता था, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना चाहता, ठीक है, और एक्सपैंड क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी। अब देखो विलियम के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था राइजिंग पावर ऑफ फ्रांस, और फ्रांस को सिंगल हैंडेडली विलियम टैकल नहीं कर सकता था, उसको चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग अलायंस। क्या चाहिए था, और वो अलायंस उसको नजर आता ब्रिटेन के अंदर। अब ब्रिटेन के अंदर क्यों उसको अलायंस नजर आ रहा था, देखें विलियम के पास मिलिट्री पावर बहुत अच्छी थी, एक चीज में लैग कर रहा था वो थी नेवल पावर, और नेवल पावर किसकी मशहूर थी पूरे यूरोप में, ब्रिटेन की। तो उसने फिर अब जब उसको शादी भी आपको पता उसकी मैरी के साथ हुई थी, तो कहीं ना कहीं बैकड्रॉप में एक फैक्टर था उसको पुश करने के लिए कि मैरिज डिप्लोमेसी के जरिए वो ब्रिटेन को अपने अलायंस में ले सकता, और इस तरह वो यूरोप की एक सिंगल ओवर आर्चिंग पावर बन के बैलेंस ऑफ पावर को अचीव कर सकता है, ठीक है। अच्छा एक तो उसका ये था, दूसरा स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ ब्रिटेन, कि ब्रिटेन जो ना बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स ऊपर खड़ा हुआ था, और जो मल्टीपल ट्रेड कैरावान थे वो कहाँ पे आके उनका जंक्शन होता था, ब्रिटेन के ऊपर, ठीक है। एक तो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी कि जितने भी नेवल ट्रेडर्स थे या जितनी भी उस वक्त की ट्रेड पावर्स थी, ट्रेड मास्टर्स थे, वो सारे के सारे ब्रिटेन से किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड थे। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के पास थी सुपीरियर नेवल फोर्स, उसको वो यूज करता था ट्रेड के लिए, तो पूरी दुनिया से प्रोडक्ट्स को लेके आना, पूरी दुनिया में उनको डिफरेंट मार्केट्स के अंदर ट्रांसफर करना, इसलिए ब्रिटेन वाज वेरी मच रेलेवेंट इन ग्लोबल ट्रेड। उस वक्त की जो ग्लोबल ट्रेड थी ना उसको डोमिनेट कौन कर रहा था, ब्रिटेन।
क्योंकि उस वक्त आपको पता ना तो रोड से ना रेलवे नेटवर्क से और ना ही और ट्रेडिशनल मीन्स थे कम्युनिकेशन के, एक ही मीन्स था ट्रांसकॉन्टिनेंटल मूवमेंट के लिए, एंड दैट वाज नेवल रूट, नेवल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस, एंड दे ऑल वर ऑक्युपाइड प्रीडोमिनेंटली बाय द ब्रिटेन. इसलिए ब्रिटेन की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन थी ना उसके लिए बड़ा एज थी. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फैक्टर था. और पॉपुलेशन नहीं चाहती थी कि ब्रिटेन की इस जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन का फायदा उनका रिलीजियस ओपोनेंट उठाए. वो कौन था? फ्रांस. ठीक है. अच्छा, दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो आ गए ना, वो तो उनकी नोबल लीड के इंटरेस्ट थे. वो किन के साथ थे? हॉलैंड के साथ. जी, देखो इस अनपॉपुलर फॉरेन पॉलिसी ने क्या किया, जेम्स की पब्लिक के अंदर लेजिटिमेसी को खत्म कर दिया. लेकिन मोनार्की एक्सेप्टेबल थी ब्रिटेन के अंदर किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जब ओपोजिंग या कॉन्फ्लिक्टिंग फॉरेन पॉलिसी बनी तो एक्सेप्टेंस लूज कर गया. वो चार्ल्स टू ने किया था, वो इससे पहले था. इसका भाई था ना, वो भी चार्ल्स टू जेम्स का भाई था. चार्ल्स टू ने बेसिकली, मैं वही कह रहा था कि जो असल बुनियाद रखी थी ना, ये ताल्लुकात की जो फॉल्ट लाइन पड़ी थी, ये फॉर्ड लाइन की बुनियाद रखने वाला था चार्ल्स. बिल्कुल, चार्ल्स की डायरेक्ट सपोर्ट बेस फ्रांस की थी. और इसने ट्रीटी ऑफ डोवर के जरिए फ्रांस को अफर्म किया था कि कल को जब भी फ्रांस और हॉलैंड आपस में लड़ेंगे तो ब्रिटेन क्या करेगा, उनको वॉरशिप्स भी प्रोवाइड करेगा और मिलिट्री एड भी देगा. इस ये जो फॉर्ड लाइन तो यहां से पड़ गई, तो जेम्स ने सिर्फ इसी की पॉलिसीज को कंटिन्यू किया. ये जरा थोड़ा सा टैसिव था, खामोश था, छुप छुप के कार्रवाई डाल था. जेम्स ने आगे जरा पब्लिकली करना शुरू कर दिया सारे काम. ठीक है, तो ये आपके पास थे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स. सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर रिलीजियस डिफरेंस था. और यूरोप के सारे कॉन्फ्लिक्ट को ड्राइव भी कौन सी फोर्स कर रही थी? रिलीजियस डिफरेंस. ठीक है, जहां भी आप देखेंगे कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स आपको नजर आएंगे. इसी दूसरा बड़ा फैक्टर था हमारे पास पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन. वो क्यों थी? अनपॉपुलर पॉलिसीज की वजह से. तीसरा, परसेप्शन ऑफ जेम्स इन लेजिटिमेट हायर. तो उसके यहाँ बेटा तो हुआ बहुत देर बाद, इतना कहा कि ये इंपोर्टेंट बच्चा और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, और तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर शाबाश, पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने जो कॉमन पब्लिक थी उनकी ओपिनियन को चेंज किया और उनके अंदर एक लेजिटिमेसी दी टुवर्ड्स रेवन. आम लोग तो सोच नहीं सकते थे अपने मोनार्क के अगेंस्ट जाने के, लेकिन लिटरेचर के अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है. इतनी स्ट्रेंथ है कि आप एक किताब पढ़ के ना 360 डिग्री आपकी सोच को बदल देती है. आप एक किताब पढ़ें और आप उसके बाद जो भी आर्गुमेंट देंगे आप उस किताब को रिफ्लेक्ट करें, अनलेस और अंटिल आप उसका ऑपोजिट वर्जन ना पढ़ें. तो लिटरेचर के अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है. लिटरेचर लोगों लिटरेचर देखो ना, आज यही लिटरेचर है, यही इंफॉर्मेशन है जिसको मीडिया वॉर के तौर पे यूज किया जा रहा है. हाइब्रिड वॉरफेयर, वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन के जरिए आप लोगों के ओपिनियन भी चेंज कर सकते हैं, लोगों की क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं. तो इस तरह जो उस जमाने के पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे या उस जमाने के जो एजुकेशनिस्ट थे या उस वक्त की जो डिबेट्स होती थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को इम्पैक्ट करने में बड़ा एक पिविटल रोल प्ले किया. और लास्ट हमारे पास है उनके क्लियर इसकी कॉजेस. अब इसको जरा डिटेल से पढ़ लेते हैं सारे फैक्टर्स. ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया था. यूरोपियन पावर स्ट्रगल इसको पढ़ लिया था. ठीक है, विलियम्स डिजायर, स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमने कर ली है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इंग्लैंड जियोग्राफिक लोकेशन एंड मैरिटाइम पावर मेड इट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द यूरोपियन पॉलिटिक्स. इट्स कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स एंड इट्स पावरफुल नेवी अलाउड इंग्लैंड टू प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस अक्रॉस द कॉन्टिनेंट. के ट्रांसकॉन्टिनेंटल पावर थी एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर,
हर जगह पे जो ट्रेड प्रोडक्ट्स तो स्ट्रेटेजिक अगर पोजीशन हम इंग्लैंड की पढ़ रहे हैं कि द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कैथोलिक सक्सेशन अंडर जेम्स टू रेज्ड कंसर्न्स अमंग इंग्लिश एलीट्स अबाउट पोटेंशियल अलाइनमेंट विद कैथोलिक फ्रांस लीडिंग देम टू सीक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजिक अलायंसेस. ठीक है, उनको लगता था कि अगर जेम्स का कैथोलिक आयर अगर एक्सीड करेगा थ्रोन को तो अल्टीमेटली उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है हमने पढ़ ली है कि वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करना चाहता था, पावर को अपनी हॉलैंड से बियॉन्ड प्रोजेक्ट करना चाहता था. ठीक है, विलियम ऑफ ऑरेंज वॉज अ स्किल्ड मिलिट्री लीडर एंड स्टेट्समैन. And he sought to expand his political influence beyond the borders of the Dutch Republic. Becoming King of England offered him a unique opportunity to further his ambitious aims and become a key player in European politics. William saw the Glorious Revolution as a chance to advance his goals and establish a Protestant monarchy in England, which would solidify his position as a prominent European leader. उसको नजर आ रहा था एक यूरोपियन जॉइंट लीडरशिप. ठीक है, इसके लिए उसने, उसके बाद उसको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अलाइज चाहिए था, वो भी उसको इंग्लैंड की फॉर्म में नजर आ रहा था. और वजह यही थी कि उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, उसके पास फाइटिंग कैपेबिलिटी थी, लेकिन एक चीज लैक कर रहा था, दैट वॉज नेवल फोर्स. वो ब्रिटेन के पास थी. जेम्स unpopular foreign policy. Look, James perceived favoritism towards Catholic France alienated many English nobles and politicians. This approach was met with skepticism and opposition from English nobles and politicians who were wary of closer ties with the Catholic power. Many viewed James' policies as undermining England's traditional alliance and putting the country's strategic interest at risk. तो मेजर क्या उनको फील हुआ कि इंग्लैंड जो इंग्लैंड के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ना वो थ्रेटन है, कि अगर इंग्लैंड अपनी की डोमिनेंट पॉपुलेशन का रिलीजियस बिलीव बाईपास करके एक ऑपोजिट रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ रिलेशंस बिल्ड करेगा तो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा और एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट होगा.
पब्लिक जो थी ना वो जेम्स की किसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है द नीड फॉर अ मोर बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, ये ब्रिटेन के लिए बहुत जरूरी था। और उसके लिए अच्छा बैलेंस फॉरेन पॉलिसी कैसे पूरी हो सकती, इसको अचीव कैसे कर सकते, बाय डिपोजिट। आप लोग मुझे बताएंगे कि बैलेंस पॉलिसी की जरूरत थी ब्रिटेन को, ये कैसे लिंक किया रेवोल्यूशन की, क्योंकि आपने हर चीज पर डिथ्रोन करना जरूरी। हाँ जी, क्योंकि उसके होते ऐसा पॉसिबल नहीं था, उसकी ज्यादा टिल्ट किसकी तरफ था, कैथोलिक फ्रांस की तरफ। तो एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी था जेम्स को डिथ्रोन किया जाए, एक प्रोटेस्टेंट रूलर एज अ मोनार्क रूल करे ब्रिटेन को, उसके बाद वो फिर प्रो प्रोटेस्टेंट पॉलिसीज बनाए। द डच कनेक्शन, अब इंग्लैंड के हॉलैंड के साथ इकोनॉमिक टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, और ये ज्यादा कनेक्शन थे इंग्लिश एलीट के। लेकिन अगेन जो इंग्लैंड का मोनार्क था उस तमाम इकोनॉमिक टाइज को बाईपास करके इसके साथ लिंक्स एस्टैब्लिश कर रहा था फ्रांस, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक, देखो किसी मुल्क की जो एलीट होती है ना ये बहुत बड़ी स्टेक होल्डर होती है, और जब आम पॉपुलेशन तो फिर इतनी मैटर नहीं करती, जब एलीट के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं ना तो फिर असर तब्दीली आती है। तो जब आपकी इलीट डिसग्रंटल्ड हुई सारे एक्शन से अल्टीमेटली उन्होंने बाकी पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस किया, बाकी पॉपुलेशन को मना, क्योंकि आम पॉपुलेशन को आपको पता इतना ज्यादा इन्वॉल्व होती भी नहीं है। मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल प्रेस्टीज होती है, जो पॉपुलेशन को इंटरेक्ट कर सकते हैं, पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा उनका रोल होता है, ठीक है। तो जब ये डिसग्रंटेड हुए उसके बाद उनका माइंडसेट चेंज हुआ और अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ दिस इज द राइट टाइम टू डिथ्रोन जेम्स एंड प्लेस अ न्यूट्रल या कोई प्रोटेस्टेंट रूलर ले लें। द रोल ऑफ इंग्लिश नोबिलिटी, अब ये अल्टीमेट रोल था ना, जो इमीडिएट रोल था वो इनका। अब देखें द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश नोबल्स एंड पॉलिटिशियंस हु सॉट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट and secure their position in the new order. English nobles and politicians played a pivotal role in the Glorious Revolution. Many of them were concerned about the direction in which James II was taking the country and feared that their privileges and power might be jeopardized under this rule. Their collaboration with William of Orange and their support for revolutions were driven by their desire to safeguard their own interests. अब देखिये यहाँ पे रिलीजन इतना बड़ा फैक्ट, आम पॉपुलेशन के लिए कंसर्न था रिलीजन का, लेकिन एलीट्स के लिए कंसर्न क्या था, उनके उनके इंटरेस्ट, कौन सा उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके अगर हम बात करते हैं ना इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट थे जेम्स के होते उसी पूरे हो रहे थे, वो पॉपुलेशन की प्रोटेस्टेंट वो चाहते थे। अच्छा देखो उस वक्त पॉलिटिकल जो एलीट थी ना उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वर मोर फेवरेबल टुवर्ड्स डच रिपब्लिक, लेकिन जेम्स क्या कर रहा था, वो सारी के सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में फेवरेटिज्म किसको दे रहा था, फ्रांस को। तो जहां जब एलीट के इंटरेस्ट हर्ट हुए उनको लगा कि हमारा बड़ा मुआशी नुकसान होगा। देखो ना आपको पता है लेट 17th और 18th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर लिमिटेड पैमाने पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे थे और उनकी जो अच्छी मंडी थी अच्छी मार्केट थी दैट वाज डच रिपब्लिक। फ्रांस के अंदर तो उनकी वो प्रोडक्ट्स एक्सेस ही नहीं थी। मुझे ये बताएं कि पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंट है एक पॉपुलेशन कैथोलिक है, तो वहां तो पब्लिक टू पब्लिक इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है कि पब्लिक उन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। तो अल्टीमेटली वे बहुत बड़ी मार्केट से महरूम हो रहे थे, वो मार्केट जो कहाँ पे मौजूद थी उनके लिए डच रिपब्लिक में। अब देखो ना जो नार्क होता है वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है इंटरनल स्फीयर के अंदर भी और एक्सटर्नल के अंदर भी। अब जो इंग्लिश लीड थी उनकी प्रोडक्ट्स को डच रिपब्लिक तक एक्सेस ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि नेवल बॉर्डर्स पे किसका चेक एंड बैलेंस था, जेम्स का, और उसने सारे के सारे रस्ते किधर मोड़े हुए थे, फ्रांस की तरफ के जो प्रोडक्ट बाइलैटरल ट्रेड सारी की सारी डाइवर्ट होगी बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो जब
लीड के इंटरेस्ट हर्ट हुए, अब देखो इनका वो बस भी इंटरेस्ट हर्ट नहीं हुआ, इनका इनका इंटरेस्ट क्या था देखा यहाँ से, आप देखें हाँ जी ऑब्वियसली लीड का तो वैसे भी मजहब से काबू कर दिया ठीक है. तो मेनी ऑफ देम वर कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन विच जेम्स वाज टेकिंग द कंट्री एंड फियर्ड दैट देयर प्रिविलेजेस एंड पावर्स माइट बी जियोपर्डाइज्ड. इनको खतरा ये था कि जो नया ऑर्डर आएगा उन समय इनकी पावर्स इनकी प्रिविलेजेस इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इनकी पॉलिटिकल जो पोजीशन है ये थे इनके इंटरेस्ट जी. अब लीड के ये सारे जो इंटरेस्ट थे ना ये कैसे सिक्योर हो सकते थे जब मोनार्क कौन हो प्रोटेस्टेंट. इसमें कहीं आपको रिलीजन कहा या कोई और बिलीफ नजर नहीं आएगा, इनके सारे के सारे मटीरियलाइज्ड इंपैक्ट थे जिसकी वजह से ये डिस्करप्ट हो गए ठीक है. वो कुछ फॉलो करने पड़ते थे क्योंकि वो किंग उसको फॉलो करता था कि ये पार्लियामेंट उसी से ही आ सकता है. ब्रिटेन के अंदर कुछ एक्ट पास हुए थे, एक था एक्ट ऑफ टॉलरेशन जिसके अंदर ये कह दिया गया था कि जितने भी डिसिडेंट्स हैं ना या जितने भी नॉन कन्फॉर्मिस्ट हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट क्या होता है जिसको हमारी आम जुबान में क्या कहते हैं, जिद्दी लोग जो बात नहीं मानते, जो मजहब के जो एंटीथीसिस होते हैं मजहब की तालीमात के टोटली अगेंस्ट जाते हैं उनको भी अकोमोडेट करते हैं. चलो ये जरा करने देखो जेम्स टू ने ना सारा का सारा अपनी पब्लिक अपने आप किया था. हम क्यों कहते हैं कि जेम्स की जो एब्सोल्यूटिज्म थी इट वाज बिकमिंग द रिवाइवल ऑफ स्टुअर्टिज्म. जब एडवर्ड स्टुअर्ट आया था ना उसने सबसे पहला काम ही ये किया था, एब्सोल्यूटिज्म को प्रमोट किया और टैक्सेशन अपने आप ही दे. पहले टैक्सेशन पार्लियामेंट के पास थी, पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू सोशल क्लास अर्निंग क्वांटिफिकेशन और जो आपके पास सोशल स्टेटस उसके मुताबिक टैक्स लगाती तो डिफरेंट होता सारे के लिए. लेकिन स्टुअर्ट ने आगे क्या किया, एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन इंट्रोड्यूस करवा दिया. अपनी तरफ से वो रिफॉर्म्स लेके आया ना कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, वो जो हमारे यहाँ सीन चलता है उसने जो यूनिफॉर्म टैक्सेशन इंट्रोड्यूस करवाई. आप जो गरीब आदमी था या जो आपके पास लोअर मिडिल ऑर्डर थी वो बहुत ज्यादा उससे ना डिस्ग्रंटल हुए. इस वजह से जब यही काम जेम्स ने शुरू किए उनका लगता है वही जमाना वापस आ रहा है हमारे लिए. तो देखिए देयर कोलैबोरेशन विद विलियम्स ऑफ ऑरेंज एंड देयर सपोर्ट फॉर द रेवोल्यूशन वर ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेफगार्ड देयर ओन इंटरेस्ट मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस इन द इंग्लिश पॉलिटिक्स एंड इंश्योर अ मोर बैलेंस्ड एंड स्टेबल गवर्नमेंट. ये तो आपको पता कितने ऐसे लिखते हो इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड. अगर पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं है. तो चले नमाज पढ़ ले आप लोग 10 मिनट तक. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा मास की ब्रेक है, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं. कुछ इवेंट तो ओवरलैप करते हो क्या है, जहाँ की बर्ड वॉर आएगी और वो आएगी. अभी तक जो पढ़ा इसमें वही कॉमन है कि लोग क्यों बनते हैं सर, किसी का जब इंटरेस्ट हर्ट हो जाए तो होता है.
आईआरएस के साथ 60% डाउन है और भी सिंधी है वहाँ सिंध वाले हैं पीछे अगर ये मैं सब इतना सिलेक्ट करना हो तो हिस्ट्री के अलावा आपके बाकी मुझे बताया ताकि पता चले स्पेस कहाँ अगर आई आर रखा तो फिर जिसके साथ जाओ आगे तो सारी चीजें आई आर की शुरू हो जाए यार ये हिस्ट्री एक सवाल है ग्लोरियस रेवोल्यूशन आगे तो सामने आ रहा क्या हिस्ट्री में इंटरेस्ट बन रही है सर मेरे बिना कि ये पूरा सच में डर हिस्ट्री ऑफिस से फर्स्ट टाइम पार्ट का हिस्ट्री है या सर्विस को हिस्ट्री में इतना कोई वो नहीं है ना इंटरेस्ट होता भी नहीं इंटरेस्टिंग चीज भी नहीं है तो भी है ना कि मुझे अभी तक ये नहीं पता है कि बहुत जो भी है ना और जो देखे जाए दोनों के लिए क्या ये चले इंशाल्लाह इस तरह से पता चल जाए बस ये याद रखो जो विलियम था ना वो हॉलैंड का बादशाह और जेम्स बर्तानिया का बादशाह लेकिन असल में ना मैरी के पास उसका की मिलिट्री पावर नहीं थी मैरी ऑटोनॉमस नहीं या तो ना मैरी क्वीन होती मैरी तो क्वीन नहीं थी उसका स्टेटस सिर्फ एक बीवी का था हाउसवाइफ का तो हाउसवाइफ होते वो कैसे फौज लेगी यहाँ से वॉरियर कौन था विलियम विलियम के साथ आई ऐसा वाइफ और फिर बाद में क्वीन बनी इनको जॉइंट मोनार्की मिली थी ना ये जो विलियम साहब है ना ये बिलोंग करते हैं हॉलैंड ठीक है हॉलैंड का नाम था डच रिपब्लिक यानी कि डच जमहूरिया कहते हैं जमहूरिया डच ठीक है डच रिपब्लिक ओके ये जो था ना जेम्स साहब सर एक ही रहने देते जेम्स आपको पता ही होगा जेम्स बर्तानिया का अब मसला ये है कि जो जेम्स साहब है ना ये खुद है कैथोलिक और हुकूमत कर रहे हैं किन के ऊपर प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर और इसलिए पॉपुलेशन के खिलाफ है पॉपुलेशन खिलाफ थी पॉपुलेशन का इनसे जान छुड़ानी है तो उन्होंने जान कैसे छुड़ाई ग्लोरियस रेवोल्यूशन के जरिए उन्होंने सारे कॉजेस पर दिए चार्ल्स था ना वो था जेम्स का भाई हाँ यार बादशाहों के सगे सुतेले का नहीं होता आप इंपोर्टेड में बाहर हो रहे हैं इनके ना शादियां माशाल्लाह इतनी की होती हैं 12-13 भाई विलियम वन विलियम टू विलियम थ्री तो बड़ा जो ना इनकी एक्सटेंसिव बादशाह को देखो ना
हमारी तो इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर का फॉल हुआ इस तरह है कि कोई लॉ नहीं था सक्सेशन का, बेटे लड़ते थे तख्त के लिए, किसी को तख्ता मिलता था किसी को तख्त मिलता था। बताए हु वाज विलियम, वे ही वाज गॉड। तीन नाम है, हॉलैंड उसी का नाम है, नेदरलैंड भी उसी का नाम है, डच रिपब्लिक भी वही है। बड़ा बच्चा उसको इंग्लिश ही लिखनी आती, इससे बड़ा दुनिया क्या हो सकता है। इस बंदे ने एम फिल लिंग्विस्टिक्स किया हुआ है, वो बंदा इवैल्यूएशन करवाने आता और मैं कहता हूं बेटा आपकी डिग्री क्या होगा एम फिल इंग्लिश, तरस आता है मुझे याद है डिग्री एम फिल की पढ़ी ही इंग्लिश सारी जिंदगी और पढ़ी नहीं है। सर ये मेन वजह जो है ना वो शायद यही है कि जो एजुकेशन का मिनिस्टर है ना उसको गलत पता नहीं होता, जो कोई सीएसपी है ना या उसको ये मिनिस्टर है जिसको छोड़ना है जो आप लोगों ने अगर इंजीनियर बनना है तो उधर जाना है, आप लोगों ने ये कैरियर काउंसलिंग यहाँ पर हर कोई बंदा डिफरेंट डिग्री करके तो वो सारा ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इतनी फॉर्म्स की जरूरत है, वहां पे भी नहीं है फॉर्म्स। देखिए सर 2018 में हाँ मतलब एक बंदा कैंसर का है उसको भेज देते हैं अकाउंटिंग और जनरल और ये करने क्या रोल। सर 2018 में था कि 500 रुपये लेना चाहते हैं या जो खाना आएगा वो उसके लिए टेक्नोलॉजी की डिग्री होना लाजमी। किसकी टेक्नोलॉजी? ओके तो मैंने सर 6 पुलिस के लिए लाजमी है पास के लिए सर दोनों के लिए मेरे पास सबको नोटिफिकेशन पड़ा। अच्छा तो मैंने सर 6 माह जो ना वो ये देखा कि टेक्नोलॉजी क्या चीज है, फिर जाकर मुझे ये पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही है उसमें तो विलियम जेम्स ने उसमें सर पीपीसी हमने तो पढ़े ना। हाँ तो पीपीसी में सर इस तरह की कंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई मतलब किसी का कुछ हो ना आप उसको भी धोखा देते हैं तो वो भी आपको जी तो बेसिकली तो सर ये दोनों जो दूसरे है ना कि बाहर आगे को बिल्कुल ऐसे तो अगर कोई इंजीनियर इधर आएगा या डॉक्टर आएगा तो उसको भी सर ये सारी चीजें नहीं पता होगा। ये काम कर वो उसे जाते जो है वो पोस्टर बनाते हैं भाई आप जो है वो जब आप जाते हो ना कैरियर पोस्टर के पास तो आप उसको कहते हो क्या कर वो कहते हैं आप सब कर दिस इज नॉट इनफ मतलब मोटिवेशन इज बेटर टेक्निक है आपका इंटरेस्ट कुछ और कहे यार आपके लिए ऑप्शन ठीक है आपके लिए ऑप्शन मैं आपकी बात में स्टेज की तैयारी कर सकता हूं मेरा फादर डॉक्टर है मेरा फूफा भी डॉक्टर है हां तो उसको मैंने कहा कि फादर मुझे कहा कि बड़ी मर्जी होगी जो करना लेकिन मैं तो तुमसे क्वालिफिकेशन डिजिटल कोर्स रिजल्ट बहुत ज्यादा तो तुम जाओ के रिको फिर पास वो तुम कराएगा ज्यादा बेस्ट मान ली क्या सर जाओ टाइम दे के उसके पास जाओ मैंने बोला कि पहली जो है
क्या मतलब कुछ मोटिवेशन स्पीकर तो ना बिजी को बिठाते हैं। ये दो चीजें इनके ऊपर बड़ी डिबेट आजकल चलती है, नेचर वर्सेस नर्चर। आज तक इसको ना सुलझा दूं, दोनों के पास इक्वली स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स पड़े होते हैं। नेचर का मतलब जो है, जो आपकी फितरत है ना, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और नर्चर कहती है कि इंसान की जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी इंसान का बिहेवियर और उसका जो सोचने का पैटर्न चेंज करती है। अब देखें ना, अगर हम नर्चर को सही माने तो क्या बकरी को अगर उड़ने की प्रैक्टिस कराए उड़ेगी? नहीं उड़ सकती। तो यहाँ पे नर्चर फेल हो गया। नेचर की अगर बात करें, आपके पास अगर सांप है उसको जहां मर्जी रखें, उसकी नेचर में डंग मारना, उसने काटना, उसने डस लेना। आप देखो क्रिमिनल फैमिलीज के अंदर से बड़े बड़े रिपोर्टर्स मिलते हैं करियर के अंदर, ठीक है, और बड़े बड़े अच्छी फैमिलीज के अंदर से बड़े बड़े क्रिमिनल्स मिलते हैं। दोनों के पास बड़े ना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स मौजूद है, इसलिए आज तक जो है ना आपके जो फिलोसफर्स वो डिसाइड ही नहीं कर पाए दोनों में से बड़ा फैक्टर कौन सा है, क्या आपकी नेचर या आपका नर्चर, सोसाइटी या आपकी जेनेटिक्स, दोनों का बड़ा रोल है। देखो ना, अब देखो अपराधी डायनेस्टीज को पढ़ो, बाप का बेटा बादशाह बनता, उससे अच्छी उसके अंदर क्वालिटीज होती थी, रूल करता रहा बड़ा स्ट्रॉन्ग, वजह क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर वो चीजें क्या करता था, इनहेरिट करता था। असल में ना ग्रोथ बहुत ज्यादा है सोशल साइंसेस के अंदर। सोशल साइंसेस आपको ना सोचने में मजबूर करती है। साइंस के अंदर तो फैक्ट्स मौजूद है, उन्हीं को आपने क्रैम करना है, उनसे क्या सोचेंगे, उसके अंदर लिमिटेशंस है। साइंस के अंदर कुछ करना है तो आपको चाहिए लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, वो इतना मिलता नहीं है। सोशल साइंसेज के अंदर आपकी थिंकिंग जो है उसको आप जहाँ मर्जी ले जाए सोचे जनरेट करें और अपनी जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाए। तो सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट आपके अंडरस्टैंडिंग को ना बड़ा वो डाइवर्सिफाई करता है। साइंस के अंदर उतनी थिंकिंग स्पेस नहीं है, माहौल नहीं ना हमारे यहाँ साइंटिफिक, जहाँ पे हम किसी ऑपोजिट बात को बर्दाश्त करें, कहते नहीं ये जो है ये वही है। तनकीदी बहस है ना हमारे यहाँ इज्जत का मसला आ जाता है। आप देखो ना दुनिया यूरोप के अंदर आप देखो यार, कैमिलियो के साथ क्या हुआ, गैलीलियो के साथ, फिर कैमिलियो के साथ, दोनों के साथ ऑपोजिट बात जो करता है सबके साथ, जिसने एग्जैक्टली जिसने रिवाइज किया या जिसने डेविएट किया ना एक नॉर्म से, उसको लोगों ने बागी बना दिया। सवाल उठाने की जना ये समाज इजाजत नहीं देता। और ये आज तक क्या 2023 आ गए, आज भी जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लोग अपने लिए थ्रेट समझते हैं, ये सवाल कर कैसे सकता है, लोगों को लगता है कि सवाल किया जाएगा तो हमारी अथॉरिटी। एब्सोल्यूटिज्म आज भी मौजूद है लेकिन मुख्तलिफ हालतों में, कहीं डेमोक्रेसी की शक्ल इख्तियार कर गई है, कहीं ऑटोक्रेसी की, डेमोक्रेसी के अंदर आपको नहीं मिलती मोनार्की, आपको इंस्टीट्यूशनल मोनार्की मिलती है। हाँ इंस्टीट्यूशनल मोनार्की है ना, इंस्टीट्यूशनल मोनार्की है। इसी तरह कहीं पे ऑटोक्रेसी है, कहीं पे देखो ना रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, लोगों की ओपिनियन किससे बनने वाले गवर्नमेंट, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्या लोगों की ओपिनियन है वहां। दुनिया में मोनार्की है किसी ना किसी फॉर्म में, कहीं डेमोक्रेसी का लबादा ओढ़ा हुआ है, कहीं इसने ऑटोक्रेसी का ओढ़ा हुआ है, कहीं इसने अथॉरिटेरियनिज्म का ओढ़ा हुआ है, कहीं इसने वही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ओढ़ा हुआ है। इन रिटर्न जंग होती है सस्टेन करना अपना रूल और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना। हां
आप देखे ना बेटा ने जब रूल किया उन्होंने कहीं पे कोई बीबी भेजी अपनी वाइस वे नहीं ना भेजी तो चलो थोड़ा सा पॉपुलेशन को थोड़ा एक्सेप्टेंस मिले यार एक औरत आई और तो एटलीस्ट किसी ना किसी पॉपुलेशन के कंसर्न को तो एड्रेस करेगी औरतों के जो मसाइल हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं क्योंकि अल्टीमेट गोल था कंसोलिडेशन रूल को कंसोलिडेट करना है बिल्कुल इंटरेस्ट हमने पढ़नी है जल्दी से ना इसकी कॉसेस को रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद इसकी लेगेसी पढ़ते हैं फिर आगे मूव करते हैं कि आप लोगों ने रिवाइज करा दें अच्छा चलो जल्दी से ना एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कॉजेस की फिर आगे चलते हैं बस लाइट शो कर देंगे कोई मसला नहीं कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी को समझ नहीं आया कि किस तरह से ये फैक्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन के साथ कनेक्टेड है बताने जिसको बेटा क्वेश्चन कर लिया अगर ना समझ आए कोई एक फैक्टर जो किसी को लगता है क्लियर नहीं है ठीक है सर पता है ओके उसके बाद अगर हम इसकी देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस तो सबसे बड़े रिलीजियस डिफरेंसेस सर ये जितने भी जियोस्ट्रेटिक फैक्टर्स आप बताए ये जेम्स वन के दौर की सारा कुछ हो रहा था वो भी बोले हम पूछता रहा था इसी तरह पॉलिसी बना रहा था फ्रांस के साथ तो उस टाइम ये क्यों इस तरह जेम्स वन ने कौन सी पॉलिसी बनाई थी सर उसने भी वही थी फ्रांस के साथ वो भी डिमांड के लिए पे क्यों कर रहा था लेकिन फ्रांस के साथ उसकी क्या मांग थी सर वो भी यूएस किंग लिस्ट फॉर किंग को वो भी सपोर्ट कर रहा था उसके साथ रहा थे उसके नहीं मुझे कनेक्शन बताओ जिस तरह हम जेम्स टू का पढ़ते हैं ना उसके ट्रेड रिलेशंस थे उसकी मिलिट्री टाइज थी
उन्होंने सीक्रेट डील्स की थी, मुझे जेम्स वन की स्थिति नहीं सर, कुछ पॉइंट्स थे ना सारे तो नहीं, उसमें वो भी कैथोलिक था लेकिन उस सेंस तक नहीं थे कि पॉपुलेशन उस तरह से इंपैक्ट करते, इन्होंने तो मिलिट्री डील साइन कर दी थी, इन्होंने तो स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लिया था, स्ट्रेटेजिक अलायंस जब उस पॉइंट पे गया कि वो नोबिलिटी के लिए खतरा बना, आम पॉपुलेशन की तो अपराइजिंग आपको नजर ही नहीं आती, आम पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व हुई भी नहीं, इन्वॉल्वमेंट किसकी हुई है, स्टेक होल्डर्स की, स्टेक होल्डर कौन था, नोबिलिटी, तो ब्रिटिश नोबिलिटी को जब लगा कि उनके इंटरेस्ट अब स्टेट या उनके जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर नहीं है या अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बात चली जाएगी, तब उन्होंने जाके इस पे रिएक्ट किया, उनको पता था कि इस वक्त जो कंसर्न बंदा है वो एक ही है, उनको भी समझ थी ना, उनको समझदार लोग थे कि कौन इस वक्त अपनी जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशनिज्म चाह रहा है, किसके जियो स्ट्रेटेजिक मोटिव्स हैं, कौन अपनी पावर मैक्सिमाइज करना चाह रहा है, ही वॉज नन अदर देन विलियम, तो उसको उन्होंने अप्रोच किया, तो रिलीजियस डिफरेंसेस थे, उसके बाद पब्लिक डिससैटिस्फेक्शन थी, ठीक है, परसेप्शन ऑफ जेम्स और उस वक्त जो जॉन लॉ के आइकन्स पढ़ेगा ट्रेड एंड कॉमर्स और आपके ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एंड कॉमर्स कमर्शियल देखो बेटा ये जितनी भी कॉजेज आनी है ना अब इसमें से क्वेश्चन ये बने हु वाज द मेन स्टेक होल्डर ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन तो क्या वन वर्ड आंसर होगा ब्रिटिश एलीट पॉपुलेशन आपको कहीं से कंसर्न नजर नहीं आ रही बजाय इस बात के पब्लिक डिससैटिस्फेक्शन की देख रही है पब्लिक डिससैटिस्फेक्शन किसी भी तरह से मोनार्की के लिए खतरा नहीं बनी पब्लिक ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया पब्लिक ने किसी तरह से अपनी रिजेंटमेंट किसी विजिबल तरीके से शो नहीं की अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स कौन थे नोबिलिटी और इसको इंसेप्ट करने वाले भी कौन थे क्योंकि ये एक लेटर के थ्रू हुआ था जिसको सेवन इमोर्टल ने वो लेटर लिखा था वो लेटर जब मिला जेम उसको विलियम को उसके बाद सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ अभी हम यही पढ़ते हैं जो आपके पास जो डच कोर्ट है ना वहां पे ये बातें चल रही है कि हमने इंग्लैंड को टेक ओवर करना है लेकिन वो बेचारा ना डिनायलिज्म के अंदर कि मेरी बेटी और जो मेरा दामाद ऐसा काम नहीं कर सकते और अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसका रिपोर्टेशन बड़ी फेमस है कि माय डॉटर वुड नेवर फॉरगेट द लव दैट हैड किंडल्ड ऑन हर कि मेरी बेटी मेरा प्यार कभी नहीं भूलेगी ऐसी कभी क्योंकि वो लोगों की बातों पे यकीन करता ही नहीं था उसको तो तब होश आई जब जो विलियम अपनी फोर्सेस लेके आ गया ठीक है तो आमतौर पर इंसान जो है ना जिंदगी में भी ये बड़ा लेसन है इंसान हमेशा डिनायलिज्म में मारा जाता है हम रियलिटी को एम्ब्रेस नहीं करते रियलिटी ठीक ठीक है हो रही है हम कुछ परसेप्चुअल फैक्ट का क्या रोल था इसको कर ले जॉन लॉक
देखिए यहाँ पे भी बात क्या आ रही है, कॉमन पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया गया, किसी बेसिकली किसी को इन्फ्लुएंस किया है अल्टीमेट स्टेक होल्डर से जी आपके पास डिवाइनली आपको गिफ्टेड होते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, राइट ऑफ सोशलाइजेशन, इकोनॉमिक राइट, सारे के सारे राइट आपके डिवाइन राइट्स होते हैं और इंसान को बाय बर्थ मिल जाते हैं और ये अनडिवाइडेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक फैमिली को राइट दिया तो सारे मेंबर्स ने बांट दिया कि चार बातें सिर्फ तुम कर सकते हो, जब में इख्तलाफ होगा उसके बाद तुम्हारा आगे खत्म। राइट्स आर नॉन डिवाइड, नॉन डिविजिबल, अनडिवाइडेड होते हैं जी। पॉपुलर सॉवरेनिटी एंड द राइट टू रेजिस्ट अनजस्ट रूलर्स कंट्रीब्यूटेड contributed to the justification of the revolution and the belief that a monarch's authority should be limited by the consent of the government. ठीक है, तो इससे जो elite के political ideas में change हुए और उन्हें ख्याल आया कि ना जब आपका monarch आपके interest के against जा रहा है और आपकी जो उस केस में आपके पास एक लेजिटिमेट राइट है कि आप क्या करें, आप स्ट्रगल करें, स्ट्राइक करें टू डीथ्रोन दैट डिसग्रंटेड लीडर। ठीक है, तो ज्यादा जो क्लासिक रोल था वो जॉन लॉ की थ्योरी का था, नेचुरल राइट्स। और ये राइट्स आम बंदों के राइट्स किसके असर हो रहे थे ज्यादा, इंग्लिश लीड को। तो जॉन लॉक साहब ने इन्फ्लुएंस किसको किया, इंग्लिश लीड को, आम बंदे तक भी हो गया एक्सेस, लेकिन ज्यादा जो था इम्पैक्ट वो इंग्लिश लीड के ऊपर था। मैं ये कह रहा बेटा, जो आपके ब्रिटिश के मुनाफे ना वो डायरेक्टली दो फैक्टर्स के दरमियान इंटरडिपेंडेंट, देखो दो चीजें स्टेक होल्डर्स थी, एक था मार्क, ठीक है, और नीचे भी आपकी ब्रिटिश लीग, यही लीग पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद थी, ठीक है, मेन स्टेक होल्डर। अब असल में जो पावर स्ट्रगल थी उनके दरमियान, अब देखो अगर तो इनके इंटरेस्ट सिक्योर रहते हैं तो इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिक्योर होते तो कभी रिलीजन इनके लिए मसला था ही नहीं, फिर जहां मर्जी इकोनॉमिक टाइज आते। जिस तरह आपने बात की जेम्स वन रिलेशंस थे तब क्यों नहीं मसला बना, तो तब इनके इंटरेस्ट हर्ट नहीं हुए। तो जब इनके इंटरेस्ट हर्ट हुए वो इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सोशल इकोनॉमी किसी भी तरह के, तो तब इन्होंने कहा कि नाउ इज द टाइम टू डीथ्रोन मोनार्क। अब ये इवेंट्स हैं, 1660 में मोनार्की रिस्टोर होती है, ठीक है, स्टुअर्ट पीरियड का रिवाइवल होता है, उसके बाद 1685 में जेम्स टू एक्सीड करता है थ्रोन को, ठीक है, और 1687 के एंड में जाके 1688 में रिलीजियस टेंशन स्टार्ट हो जाती है। 1688 के अंदर जो ब्रिटिश लीड है उनके जो सेवन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं इमोर्टल सेवन, वो एक लेटर इशू करते हैं किसको, विलियम के, ठीक है। नवंबर 1688 में विलियम इन्वेड करता है ब्रिटेन को और दिसंबर 1688 में, क्योंकि अब इसके अंदर जो जेम्स था वो खुद को प्रिपेयर करता ही नहीं, प्रिपेयर क्यों नहीं करता, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता, उसके जितने भी एस्पोनेज मेंबर्स हैं वो कंटिन्यूअसली उसको ब्रीफ कर रहे हैं कि डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं कि आपकी मोनार्की थ्रेटन्ड है, लेकिन वो कहता है नहीं, वेटिंग रखना ऐसा काम कदम नहीं उठाएगी, ठीक है। इस वजह से वो प्रिपेयर नहीं होता, जब वो प्रिपेयर नहीं होता तो किसी भी तरह से विलियम को यहाँ पे कोई अपोजिशन फेस नहीं करनी पड़ती। दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट ये होता है कि जब विलियम आता है ना तो जो ब्रिटेन नेवी के एडमिरल्स हैं वो डिफेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि वो 9 मई की मजम्मत कर चुके होते हैं, तो वो हथियार हैं, कहते हैं हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह अनचेक्ड अनपोस्ट विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस वो क्या करता है, ब्रिटेन को टेक ओवर कर देता है। जनवरी 1689 के अंदर विलियम और मैरी दोनों जॉइंट मोनार्की एक्सीड करते हैं और
उसके बाद फिर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का स्टार्ट होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही थी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दिस रेवोल्यूशन वाज ग्लोरियस। ये जो ग्लोरियस का वर्ड है ना, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस की वजह से है कि आम इंसान के हकूक बहाल कर दिए गए, लोगों को मजहबी मामलात में आजादी दे दी गई थ्रू एक्ट ऑफ टॉलरेशन। ठीक है विलियम, इसलिए चुना बेटा लीड ने, जो विलियम एक तो था प्रोटेस्टेंट, ठीक है, नंबर वन, कि वो अगर उसको वो बुलाते तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उनके सेंटीमेंट के साथ स्ट्रीमलाइन कर रहा था, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो मैरी को बुलाते, ठीक है, तो मैरी हो सकता अपने बाप की मोहब्बत उस तरह से व्यक्त ना करती, नंबर एक। नंबर टू, मैरी वॉज नॉट अ क्वीन, उसके पास कोई स्टैंडिंग फोर्स नहीं, वो सिर्फ एक हाउसवाइफ के तौर पर प्लेट कर रही थी। मेन वहां पे भी जो असल इंफ्लुएंशियल कैरेक्टर था वो कौन था, विलियम। नंबर तीन, विलियम को क्यों बुलाया गया, क्योंकि विलियम वही बंदा था जो ब्रिटेन की अपोजिट कंट्रीज के साथ भी लड़ रहा था। अगर आपको इंडिया की थ्योरी देखे ना, इंडिया का एक पोलिटिकल फिलोसफर था, शायद आप लोगों से पहले मैंने डिस्कस किया जी जी, कौटिल्या, वो कहता है दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो आप देखें, ब्रिटेन का राइवल कौन था, उसके बाद डच रिपब्लिक का राइवल कौन था, फ्रांस। बिल्कुल, तो जो ये पपीलिया ने ना, चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर जो 300-400 साल यहाँ इंडिया में मौजूद थी, उस वक्त एक इंडियन ने ये डिप्लोमेटिक थ्योरी कोइन की थी कि हमेशा जो आपका इमीडिएट एनिमी होता है ना, उसका एनिमी आपका क्या बन जाता है, क्लोज अलाय बनता है। तो देखिए, दोनों का जब कॉमन एनिमी है, इस वजह से ब्रिटेन और डच रिपब्लिक की पॉपुलेशन के दरमियान एक कनेक्टिविटी के एलिमेंट मौजूद था, और इसको कैश करते उन्होंने विलियम को। दूसरा एक और चीज, अगर आपने भी कॉजेस पढ़ी है, विलियम के कुछ जियो स्ट्रेटेजिक मोटिव थे, अपनी पावर को एक्सपेंड करना, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करना, और अपनी अथॉरिटी को डच रिपब्लिक से बियॉन्ड जाके एक्सरसाइज करना, कोई और इतना एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस वाला कैरेक्टर था नहीं। ठीक है, जर्मनी के अंदर इस तरह की कोई मंतुक है, जर्मनी खुद अपनी सक्सेशनिज्म से फाइट कर रही थी, वहां पे डिसाइड नहीं हो रहा था कि हैब्सबर्ग एम्पायर आएगी या हॉबर्टबर्ग एम्पायर आएगी, तो वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थे। तो एक ही इमर्जिंग पावर थी जहां पे कॉमन एनिमी था, ब्रिटेन का भी वही था, फ्रांस और डच रिपब्लिक का। इसलिए जो विलियम था, दैट वाज द मोस्ट फेवर्ड पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ओवर इंग्लिश थ्रोन। सर, रशियन को उसने रशियन में भी तो लेकिन रशिया का इस तरह अगर ब्रिटेन हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, रशिया का कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था ब्रिटेन मोनार्की के साथ, कि अगर तो किसी तरह का रिलेशनशिप होता ना, कि अगर उनके दरमियान कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होता, किसी तरह का कल्चरल टाइज होते, तो कहीं ना कहीं रशियन मोनार्की इन्फ्लुएंस कर रही होती ब्रिटेन को, लेकिन उनका इस तरह के दरमियान कोई डायरेक्ट इंटरेक्टिंग था नहीं कि हिस्ट्री के अंदर उसको सिग्निफिकेंटली डिस्कस किया जाए, और ब्रिटेन हिस्ट्री में आपको रशियन फैक्टर इस तरह नजर नहीं आया। देखो ना, आप इसको बाग हिस्ट्री पढ़ें और आप कहें कि इसके अंदर डेनमार्क का क्यों नहीं जिक्र आया, क्योंकि लिंक ही नहीं ना बनता, या आप कहें इंडो पाक हिस्ट्री में अमेरिका का जिक्र क्यों नहीं आया, क्योंकि जहां पे कोई लिंक ही नहीं, ना कोई नेचुरल लिंक है, ना किसी तरह का पॉलिटिकल लिंक है, और ना किसी की तरह से रशिया ने ब्रिटेन की सुसाब। देखो ना, हमने जो पढ़े थे सारे का सारा इंटरेक्शन, प्रीवियस इंटरेक्शन इसीलिए पढ़ा था कि आपको पता चल जाए कि ब्रिटेन की ओवरऑल एवोल्यूशन के दौरान कहां कहां से ग्रुप्स आए और उन्हें ब्रिटेन के अंदर आके सेटलमेंट की। कोई एक ग्रुप रशिया से आया नहीं आया, तो रशिया किसी भी तरह से इंटरेक्ट नहीं किया। ओके, बिल्कुल, वो आगे जाके सारा क्लियर वहां पर इस तरह की किसी पास मिलिट्री पावर नहीं थी, या किसी पास ऐसी कैरिस्मेटिक लीडरशिप नहीं थी तो उसके साथ लोग खड़े हो जाते। लोग देखो ना, कैरिस्मेटिक कैरेक्टर बड़ा मैटर करता है, तो वो कैरिस्मेटिक कैरेक्टर उसी के पास था। चलो, अब इसकी लेगेसी को पढ़ते हैं, लेगेसी ऑफ रेवोल्यूशन। असल में ये लेगेसी ही थी जिसने इस रेवोल्यूशन को क्या बना दिया, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। One of the most significant legacies of the Glorious Revolution was the establishment of constitutional monarchy in England.
Okay. The revolution reaffirmed the supremacy of parliament over monarchy and laid the foundation for a system in which the king or queen ruled with the consent of parliament and was subject to the rule of law. कि पहले क्या था? Rule of law king का subject था. अब king subject बन गया rule of law का. देखें कितना बड़ा एक paradigm shift आया. इसके हम points आगे इसको detail से study करते हैं. इस revolution में basically सबसे बड़ा element तो ये हुआ कि expurgation of absolutism. Absolutism क्या हो गई? खत्म हो गई. ये तो direct consequence था ना. दूसरा क्या हुआ? Constitutionalism की बुनियाद. Constitutionalism का मतलब है parliamentary supremacy. Vote को इज्जत दो. ठीक है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी उसकी बुनियाद पड़ी इसके अंदर. इसी तरह क्या किया गया? जो मनार्क था उसका डेजिग्नेशन तो मौजूद था. देखो ना, अब विलियम एज अ प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ना आया, एज अ मनार्क है तो डेजिग्नेशन मौजूद था लेकिन प्रिविलेजेस को कर्टेल कर दिया गया. और मनार्क के जो ना आपके पास मनार्की का जो प्रेरोगेटिव था उसको कर्टेल कर दिया गया, यानी कि हाथ पांव बांध दिए गए. आगे जाके पढ़ते हैं कि कितना बड़ा चेंज आया था कि अगर उनको फाइनेंस भी लेना पड़ता था तो पार्लियामेंट उनको देती थी. इवन के बादशाह से जो भी क्या छीन लिया गया वो अपनी प्राइवेट कोर्ट स्टैब्लिश नहीं कर सकते. पहले बादशाह करते थे, किसी को मामले में कुछ अदालत लगा लेते तो खुद फैसला साजी का इख्तियार रखते थे, उनसे ये इख्तियार भी ले लिया गया. ठीक है, पार्लियामेंट के किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट को ना वो पास कर सकते थे ना उसको सस्पेंड कर सकते थे. ये राइट किसको लौटा दिया गया? पार्लियामेंट को. क्या क्या सारी चीजें हम पढ़ते हैं. ठीक है, दूसरी चीज अब देखें, बड़ा चेंज क्या आया? रेवोल्यूशन से पहले क्या था? जो लॉ था ना, इट वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ किंग. किंग बताता था लॉ क्या होगा. ठीक है, वो जिस तरह आपने एक बड़ा एक है सर वोट है कि जो है ना आपके पास ब्रदर इन लॉ भी होता है, सन इन लॉ भी होता है, फादर इन लॉ भी होता है. तो वाइफ से लिंक्ड कोई इस तरह का रिलेशन नहीं बनता क्योंकि शी इज द लॉ असल में ना. तो पहले क्या होता था? किंग वॉज द लॉ. सारा का सारा जो लॉ मेकिंग थी, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन थी, या लॉ ने अगर किसी को इम्प्यूनिटी देनी है, क्या होती इम्प्यूनिटी? इस तस्ना एग्जेम्पशन किसी को अगर मिलनी है तो वो किंग डिसाइड करता है. इट मींस लॉ वाज अ सब्जेक्ट ऑफ किंग. रेवोल्यूशन से क्या हुआ? ये इक्वेशन ऑपोजिट हो गई. अब जो किंग था इट बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ. अब लॉ डिसाइड करेगा किंग के पास क्या अख्तियार होंगे और किंग किन मामलात में अपनी अथॉरिटी यूज करेगा. ठीक है, ये सब पैराडाइम शिफ्ट आया इसके बाद. पहले किंग था लॉ और अब जो लॉ था वो किंग बन गया. किंग जो था वो उसकी जगह चेंज हो गई. द शिफ्ट इन पावर डायनामिक्स बिटवीन द क्राउन एंड पार्लियामेंट बिकेम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दैट रिमेन्स इन प्लेस टिल डेट. आज तक ये मौजूद है. ठीक है, वहां पे किंग भी है. अभी क्या नाम है किंग का? और आई थिंक इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर है ना. अच्छा, अब देखें अब हम पढ़ लें कि व्हाइट वाज अ ग्लोरियस रेवोल्यूशन. क्या चीज इतनी ग्लोरियस थी? एक तो ये चीजें अभी नहीं को मानने पड़ती थी. सबसे पहले आया था बिल ऑफ राइट्स. पहले इसको कहते थे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स. देखिए बात है डिक्लेरेशन का बिल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज. इंडिविजुअलिज्म की बुनियाद पड़ी. द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स आल्सो नोन एज द बिल ऑफ राइट्स was a crucial outcome of glorious revolution. It codified the rights and liberties of English subjects. These subjects are क्या मतलब है? तमाम जो British community थी ना, सारे हर खासों आ, सार पूरी चीज को लाया गया थे उर्दू में, उस सारों को rights दे दिए गए. अब कौन-कौन से rights दिए गए? Freedom of speech, right to petition, the monarch, ठीक है, अब बादशाह के खिलाफ
अदालत में अपील की जा सकती थी। पहले तो बादशाह अदालत खुद उच्च लगाता था, खुद फैसले करता था। अब अगर किसी शख्स को बादशाह से शिकायत है तो वो भी पार्लियामेंट में या जुडिशरी में उसके अगेंस्ट जा सकता था। इतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये समझे कि मनार मजबूत था लेकिन हाथ पांव बांध दिए गए। अब ये देखें जिस तरह पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन होता है ना, और हर 23 मार्च उसको धूप लगवाई जाती बाइक लाके। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको शायद इस तरह का रोल ना नजर आए। अब रोल क्या है यार, देखो वो साइन करते तो वो ऑर्डिनेंस बन जाता है, वो ना करे भी बन जाता है। क्या आपको इससे क्या समझे क्या होगा? तो प्रेसिडेंट अगर साइन कर दे तो चीज एक्सेप्ट हो जाती है, वो ना भी करे तो 24 घंटे के बाद वो चीज एक्सेप्ट हो जाती है। तो फिर क्या मतलब इसका इमीडिएट नहीं होती। और देखिए अभी आपने कुछ इवेंट्स पढ़े होंगे कि जिस तरह अभी करंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट है ना, कुछ रिफॉर्म्स किए, नैप से रिलेटेड कुछ ऑर्डिनेंस पास किए, लेजिस्लेशन वगैरह की, तो वो जिसको बादशाह ने रिजेक्ट किया वो भी एक्सेप्ट हो गए, और जो एक्सेप्ट किए कुछ कुछ उसने खुद भी किए एक्सेप्ट, वो तो हो गए, वो भी होने थे ये। हाँ जी बाकी सारे चले जाते हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं होता, लाइक से प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर चला गया, तो उसकी जगह कौन आता है? चेयरमैन सेनेट। और जब चेयरमैन सेनेट भी ना हो, दोनों ना हो, फिर स्पीकर नेशनल असेंबली। शाबाश। अगर प्रेसिडेंट मुल्क में मौजूद नहीं है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर प्रेसिडेंट साहब दोनों नहीं है तो फिर बनेगा स्पीकर नेशनल असेंबली, ठीक है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। चलें तो जो ऐसा बोलते हैं ना वो तारीख में चले जाते हैं हिस्ट्री में। द बिल मुजम्मल किया गया, द बिल ऑफ राइट्स बिकेम एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट इन इंग्लिश लॉ, एस्टैब्लिशिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड लिमिटिंग द मोनार्क्स अथॉरिटी, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज इन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। ये बिल ऑफ राइट्स आया था, कॉमन पॉपुलेशन को अकोमोडेट किया गया, उनको क्या क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया गया, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट पिटीशन का राइट दिया गया, और प्रोहिबिशन अगर कहीं पे देखो ना टैक्सेशन का राइट भी बादशाह से ले लिया गया। देखिए हम आपने स्टुअर्ट इरा इराक के अंदर पढ़ा, जब हम एब्सोल्यूटिज्म की बात कर रहे थे जेम्स की, मैंने पढ़ा वो क्या कर रहा था, एक्सेसिव टैक्सेशन कर रहा था, तो उससे टैक्सेशन का राइट भी ले लिया गया, और मजीद इतना चेंज कर दिया गया अगर वो दोबारा टैक्सेशन करता है और पब्लिक को लगता है कि उनके लिए बड़ी एक्सक्रूशिएटिंग है, पब्लिक उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकती है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेसिव फाइंस एंड पनिशमेंट्स, यानी कि अगर वो किसी को सजा भी देता है तो उसके अगेंस्ट भी अपील का राइट दे दिया। रिलीजियस टॉलरेशन एंड एक्ट ऑफ, अच्छा उसके बाद देखो पहले आपको पता मजहब के मामले में इतनी आजादी नहीं थी, इसमें आते साथ क्या साइन किया, एक्ट ऑफ टॉलरेशन। The glorious revolution also paved the way for greater religious toleration in England. The Act of Toleration passed in 1689, the very revolution ke baad mein, granted limited religious freedoms to non-Anglican Protestant groups, providing some legal protection for dissenters and non-conformists. वो जो बाकी किस्म के लोग होते हैं जो मजहब से थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। दो अच्छा ये भी जो थी ना प्रिविलेजेस, अगर मजहबी आजादी थी तो स्पेसिफिकली सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स को दी गई, कौन से प्रोटेस्टेंट्स, नॉन इंग्लिश ओरिजिन के जो ब्रिटेन से बाहर के थे, और दूसरे वो जो के नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे विद इन ब्रिटेन, कैथोलिक्स के लिए ये आजादियां नहीं थी। दो कैथोलिक्स वर स्टिल रिस्ट्रिक्टेड इन मैनी वेज, द एक्ट रिप्रेजेंटेड अ स्टेप टुवर्ड्स ग्रेटर रिलीजियस टॉलरेंस, setting a precedent for further expansion of religious rights and freedoms in future, ठीक है। यानी कि आप कहें कि कुछ limited context के अंदर मजहबी आजादी दी गई, सिर्फ उनको specifically किन के लिए थी, protestants के लिए,
और वो भी वो प्रोटेस्टेंट जिनका नॉन ब्रिटिश ओरिजिन था और जो नॉन कंफॉर्मिस्ट थे, ठीक है, स्पेसिफिकली उनको अकोमोडेट किया गया। कैथोलिक्स को फिर भी जो है ना, और अब आगे जाके पढ़ेंगे जब हम आगे रूल हमने पढ़ना है ना उसका, विलियम और मैरी का, तो उन्होंने जो कैथोलिक को टोटली रिमूव कर दिया था थ्रोन में से ना, जो भी किसी तरह पार्लियामेंट में मौजूद थे वो पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था कैथोलिक्स को। अच्छा देखिए, फिर अगर हम इसकी लेगेसी देखते हैं तो आपको पता है अमेरिका के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था 1789 में, तो वो फ्रेंच में कर रहा था 1776 found expression in the United States Constitution and Bill of Rights. Okay? The American founding father looked the Glorious Revolution as a model for their own struggle for independence and the establishment of a constitutional republic. Okay? यानी कि वो ब्रिटेन जिसके अंदर ये चेंज आया, क्योंकि कॉलोनीज ने इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर अपनी इंडिपेंडेंस गेन की। अच्छा, अब उसके कुछ स्ट्रेटेजिक आउटकम्स हैं, हमने स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स पढ़े थे, तो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को भी डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहले देखें, जो पावर स्ट्रगल चल रही थी ना, खत्म तो नहीं हुई, लेकिन किसी ना किसी तरह जो बैलेंस ऑफ पावर थी कुछ हद के लिए अचीव हो गई। एक चीज याद रखें, ये कॉन्सेप्ट जो है ना बैलेंस ऑफ पावर का, थोड़ा सा आपको इसका बता दूं, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का या ग्लोबल पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पावर हमेशा एक डायनेमिक रहता है, ये ना तो ये स्टिफ है ना ये कांस्टेंट है, हमेशा चेंज होता रहता है, नंबर एक। नंबर दो, ये कभी भी नेचुरल नहीं होता, बैलेंस ऑफ पावर कभी भी नेचुरल नहीं होता, ये हमेशा क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। नंबर तीन, बैलेंस ऑफ पावर टेस्ट कैसे होता है, थ्रू वॉर। अगर वॉर हो जाए इट मीन्स बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया, और अगर वॉर ना हो इट मीन्स दोनों के दरमियान एक डेटरस मौजूद है, ठीक है। डेटरस मीन के एक ऐसा ब्लॉक मौजूद है जिनको वॉर से रोका है, ठीक है। तो अगर वॉर हो रही है इट मीन्स बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बैलेंस वॉर तभी होगी जब एक फैक्शन को लगेगा कि वो दूसरे को सुपरसीड कर सकती है। और अगर उसको देखो ना, वो एक एग्जाम्पल मैंने वो दी थी, अगर एक बंदा किसी को डंडा लेके मारने आ गए ना, तो अगला बंदा पिस्टल निकाल देता है, उसकी वहीं पे ब्रेक जाम हो जाएंगे। क्यों? तो उसकी जो सुपीरियर मिलिट्री फोर्स है ना, दैट इज एक्टिंग एज अ डेटरेंट फोर्स। तो जब दो स्टेट्स के दरमियान मिलिट्री स्ट्रेंथ या पावर का बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है, हम उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर है। और ये अचीव किया जाता है, ऐसा नहीं नेचुरली कभी भी नहीं आता, इसको अचीव करते हैं। अचीव कैसे कर सकते हैं, मिलिट्राइजेशन से, अपनी इकोनॉमी बिल्ड करके, अपनी पॉलिटिक्स को स्टेबल करके, या अगर इससे भी नहीं हो सकता, कुछ छोटी स्टेट है और एक बड़ी स्टेट है जहां पे एक अनसिमेट्रिक पावर बैलेंस है, तो वहां पे छोटी स्टेट क्या करती है, अलायंस में जाती है, क्या करती है, अलायंस करके बड़ी पावर को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, जिससे ब्लॉक। तो एक तो यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हुआ, तो पहले जहां पे वो फ्रांस की तरफ था वो शिफ्ट कर गया टूवर्ड्स ब्रिटेन, किसके लिए फेवरेबल हो गया, ब्रिटेन के लिए। लेगेसी ऑफ ब्लडलेस रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की बुनियाद पर ही, जहां पे आपके पास इन्फ्रेंचाइजमेंट आई, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रिस्टोर हो गई, अल्टीमेटली यहां से जो पॉलिटिकल पार्टीज उनका ओरिजिन भी हुआ और उनका एवोल्यूशन भी, और उनका जो रोल था वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो गया। एंड ऑफ डिवाइन राइट मोनार्की, यानी एब्सोल्यूटिज्म खत्म, वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि जनाब ये जो स्टुअर्ड्स हैं, स्टुअर्ड फैमिली है, जो हाउस ऑफ स्टुअर्ड्स हैं, इनके पास एक डिवाइन प्रेरोगेटिव है कि रूल यही करेंगे, वो भी खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ इंग्लैंड की पॉपुलेशन में खत्म हुआ, आयरलैंड के अंदर अभी भी मौजूद था वो लोग जो जेम्स के साथ बड़े क्लोजली एसोसिएटेड थे या जिनकी वफादारियां जेम्स के साथ थी, उन्होंने मिलके
इस रेवोल्यूशन के अगेंस्ट बगावत करते हैं जिसे कहते हैं जैकोबाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। इतना सुकून नहीं आया विलियम्स को भी ये करने के बाद, काफी जंगे हुई, बगावतें हुई, जिनको टैकल करते करते बेचारा इस जहान फानी से कूच कर गया। ठीक है, इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स, कि दुनिया में जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रही थी उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी कि पीसफुली भी अगर कोई अनजस्ट लीडर आप इंपोज होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट इन वीमेंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अब देखें एक औरत मोनार्की फॉर्म में आती है, ज्वाइंट मोनार्की है चाहे, लेकिन उसकी इंक्लूजन से वीमन के लिए बड़ी इंकरेजमेंट होती है, वो भी पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा असर्टिव हो जाती है। और आप देखेंगे कि मैरी के आने के बाद पार्लियामेंट के अंदर वीमन की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाती है। इंस्पिरेशन फॉर नॉन वायलेंट मूवमेंट्स, ठीक है, तो ये इसकी कुछ लेगेसीज थी स्ट्रेटेजिक आउटकम्स थे, किसी में तो मसला। ठीक है, विलियम देखो, अब विलियम एक बात तो देखें, विलियम वाज अ नॉन ऑफ नॉन ब्रिटन ओरिजिन नंबर वन। अब उन्होंने गिव एंड टेक की पॉलिसी आई, गिव एंड टेक की पॉलिसी ये थी, विलियम को चाहिए था ब्रिटेन का चार्ज, लेकिन ब्रिटेन के अंदर रूल था कि नॉन ब्रिटेन यहाँ पे रूल नहीं कर सकता। उसके लिए एक फॉर्मूला लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट का। उन्होंने क्या किया, एक्ट ऑफ टॉलरेशन और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए नॉन ब्रिटेन ओरिजिन के बंदे की मोनार्की को क्या कर दिया, लेजिटिमाइज कर दिया। ये तो हो गया टेक। इन द एंड गिव क्या हुआ, ये तो सब हुआ रेवोल्यूशन की फॉर्म में उसकी जो सेटलमेंट हो गई, ये दो चीजें थी। ठीक है, क्यों उसने मरा, देखो ना विलियम, आपने कहा विलियम एक अब कैसे हो सकता है कि एक मुरार जिसके पास इतनी अनरिस्ट्रिक्टेड और इतनी अनफिटेड पावर्स हैं, वो खुद ऐसे हाथ आगे करे कि बंद हो, मुझे कुछ इख्तियार नहीं चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, तो इसको चाहिए थी लेजिटिमेसी, क्या चाहिए थी, और ये लेजिटिमेसी इसको कौन दे सकता था, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करनी थी ना कि नॉन एंग्लो ओरिजिन का बंदा हमारा मोनार्क हो सकता है, तो पार्लियामेंट ने इसके लिए लेजिस्लेशन की। इन रिटर्न पार्लियामेंट ने इससे क्या मांगा, बिल ऑफ राइट्स, और इससे मांगा एक्ट ऑफ टॉलरेशन। तो ये बेसिकली ना एक गिव एंड राइट की पॉलिसी थी, जो उसने अपने रूल को लेजिटिमाइज करना था, लेजिटिमेसी चाहिए थी। तो ब्रिटेन के अंदर ये रूल नहीं था कि नॉन ब्रिटेन ओरिजिन का बंदा हॉलैंड का बंदा उनका मोनार्क बन जाएगा, तो ये कौन जस्टिफाई कर सकता था, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने जस्टिफाई किया। इन रिटर्न पार्लियामेंट ने कुछ कंडीशंस रखी कि आपके राइट जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए, किस फॉर्म में, बिल ऑफ राइट्स एंड एक्ट ऑफ प्रोग्रेशन। अब आगे जाके जब हम इनका रूल पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ सिम्बॉलिक मोनार्क था, क्योंकि इससे ये राइट भी ले लिया गया कि आदमी पीस एंड कर सकता पीसफुल टाइम में। बेचारे ने अगर आर्मी स्टैब्लिश करनी तो फाइनेंस कहाँ से देनी, पार्लियामेंट से। और इवन के लोग ये कहना हो गए थे कि जो क्वीन है ना, ये हमें सिर्फ तब याद करती है जब इसको पैसों की जरूरत होती है। इस तरह का रिलेशन बिल्ड हो गया कि अगर उनको अपने इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के लिए भी कुछ फाइनेंस चाहिए, वो भी उसका अप्रूवल कौन देता था, पार्लियामेंट। तो यहाँ से आप देखें कि इसको इसलिए हम कहते हैं ये वाज अ पार्लियामेंटेरियन मोनार्की या पार्लियामेंटेरियन ऑटोक्रेसी, कि पार्लियामेंट बहुत ज्यादा जो थी वो असर्टिव हो गई, मोनार्क से ज्यादा अथॉरिटी किनके पास चलेगी, पार्लियामेंट। इसीलिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन को हम पार्लियामेंटेरियन या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी कहते हैं, इसमें जो चीज की गई उसी के अंदर दोनों स्टेट्स, ब्रिटेन भी उसके अंदर था और डच भी, दोनों कंट्रीज को होल्ड कर रहा। अच्छा, आगे अगर आप जो आपका थीसिस का सिलेबस है ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, कुछ हमने ब्रीफ डिस्कस करना है विलियम और मैरी का रूल 1589-72, अब जो विलियम मैरी की डेथ होगी 1694 और विलियम की डेथ हुई 1702 में। और आपको पता है इसके अंदर मेजर डेवलपमेंट्स नहीं आए, एक तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गया, उसके बाद जो पिक्चर है ना आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एटमोस्फियर की वो हम पढ़ेंगे, और दूसरा जिनके चैलेंजेस थे, चैलेंजेस मैंने बता दूंगी कि वो जो जेम्स जब यहाँ से एग्जाइल में गया
उस स्कूल से नहीं बैठा, उसने वहां फ्रांस से हेल्प ली, एक छोटी सी मिलिट्री स्टैब्लिश की और दोबारा टैक्स लॉन्च की, अपने जोन को दोबारा रीएक्सेस करने के लिए उसने रिबेलियन मूवमेंट स्टार्ट कर, जिसे कहते हैं जैकोबाइट रिबेलियन या जैकोबाइट राइजिंग, इसको कहते हैं जैकोबाइट का मतलब होता है फॉर्मर ऑफ प्रोटेस्टेंट। आगे जाकर इसको पढ़ते हैं, अब देखिए विलियम और मैरी के रूल पढ़ते हैं। इन 1689 पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड दैट जेम्स हैड एब्डिकेटेड बाय डिसेंटिंग हिज किंगडम, विलियम एंड मैरी वर ऑफर्ड द थ्रोन एज जस्ट एज जॉइंट मोनार्क्स। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। ओके ओके, नहीं ये नहीं है, लेकिन वहां भी कनेक्शन का मसला है, यहां से आगे जाती वहां से नहीं जाती। अब देखिए सबसे पहला इनके रूल के अंदर काम क्या हुआ था, क्योंकि इनको मोनार्की मिली इस कंडीशन पे थी कि क्या साइन करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अब देखिए दे एक्सेप्टेड अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स लेटर अ बिल ड्रॉन अप बाय द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट ने अपनी टर्म्स डिक्लेयर करवाई इनसे इन कंडीशन की, उसको बाद में मोनार्की मिलेगी। अच्छा देखिए विच लिमिटेड द सॉवरेन्स पावर, उसकी पावर को क्या कर दिया गया, कंटेन कर दिया गया। Reaffirmed the Parliament's claim to control taxation and legislation. बिल्कुल कुछ भी ना रहा, वही तो मैंने कहा सिंबॉलिक आगे आपको और तरसाएगा बेचारे, बिल्कुल सिंबॉलिक हेड बन गया था पाकिस्तान का सदर वाला पिक्चर। Limited the sovereign's power, reaffirmed Parliament's claim to control taxation and legislation, and provided guarantees against the abuse of power. उससे रिटर्न गारंटी ली गई, किसी भी मामले में अब्यूज ऑफ पावर नहीं होगा जो कि जेम्स ने किया। ठीक है, दूसरा चीज हमने कहा था कि एक्ट ऑफ कॉन्फेडरेशन आया, लेकिन उसमें सिर्फ अकोमोडेट किया गया प्रोटेस्टेंट्स को, कैथोलिक्स के ऊपर जो बम था वो गिराया गया, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। द एक्सक्लूजन ऑफ जेम्स टू एंड हिज हायर्स वाज एक्सटेंडेड टू एक्सक्लूड ऑल रोमन कैथोलिक्स फ्रॉम द थ्रोन, सिंस इट हैड बीन फाउंड बाय एक्सपीरियंस that is it is inconsistent with the safety and welfare of slides mein freeze ho gayi hai, slides freeze ho gayi hai, ek second ab show ho rahi hai, yes sir ab dekha exclusion of roman yes, catholic okay okay, to dekha jo roman catholic se aap to protestants aur catholics ke darmiyan ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी, तो प्रोटेस्टेंट्स को लगता था कि कैथोलिक अगर एक मेंबर की मोनार्की में मौजूद रहेगा तो उनके लिए दोबारा रिविजनिज्म का खतरा रहेगा। अच्छा एक चीज मुझे बताएंगे, एक सिंगल फैक्टर जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन को डिफाइन करे स्ट्रेटेजिक टर्म्स के अंदर क्या कह सकते हैं? नहीं नहीं यार, कोई ऐसा टर्म बताइए जो चेंज आता है, एक चीज एस्टैब्लिश्ड है चेंज इन स्टेटस को, ये बेसिकली स्टेटस को में तब्दीली थी ना, एक एस्टैब्लिश्ड मोनार्की को अपरूट किया गया, उसकी जगह एक चेंज आया, यानी कि रिविजनिज्म है। स्ट्रेटेजिक टर्मिनोलॉजी में इसको कहेंगे चेंज इन स्टेटस को। तो अब देखो इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जरूरी था कि जितने भी इसके एंटी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सपर्गेट किया जाए। तो आपको पता है प्रोटेस्टेंट्स का हमेशा किसके साथ रहा कॉन्फ्लिक्ट, कैथोलिक्स के साथ, उनको लगता था कि अगर इस प्रोटेस्टेंट मोनार्की को सस्टेन करना है, कंसोलिडेट करना है और इसके रूल को प्रोलॉन्ग करना है, तो उसके लिए एग्जैक्टली इनके नॉन सपोर्टिव एलिमेंट्स या इसके जो एंटी फोर्सेस हैं उनको क्या करना पड़ेगा, थ्रोन से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया गया, रोमन कैथोलिक्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब देखें, अब हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, क्यों बेचारे, अब यहां से आपको इस पर तरस आएगा बेचारे कि इसके पास कुछ भी नहीं था, सारा का सारा प्रेरोगेटिव इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक गैदरिंग, को जहां पे जो काम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा वो कौन कर रही है, पार्लियामेंट कर रही है। अब देखें पार्लियामेंट को फंक्शन फ्रॉम फ्री फ्रॉम रॉयल इंटरफेरेंस। अब आपको नजर आएगी जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की आप बातें सुनते हैं ना,
असल पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होती है कि कोई भी और इंस्टीट्यूशन वो इंटरफेयर भी ना करे और ब्रीच भी ना करे किसी भी तरह से वर्बली और नॉन वर्बली, ठीक है, डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड वे। ओके, तो सबसे पहला पार्लियामेंट को फ्री कर दिया गया फ्रॉम रॉयल इंटरफेरेंस, नंबर वन। उसके बाद जो मनार था उसे क्या राइट ले लिया गया, कोई भी जो लेजिस्लेशन है ना किसी भी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन को ना वो सस्पेंड करेगा ना डिस्पेंस करेगा, यानी कि ना उसको इम्प्लीमेंट करेगा ना सस्पेंड करेगा। ये प्रेरोगेटिव किसका है, ये पार्लियामेंट का, ठीक है। पहले ये जो इख्तियार थे इनके पास होते थे। ओके, दूसरा सबसे बड़ा ये आपको sovereign was not allowed to interfere with election speech or election freedom of ये जो दो fundamental rights है ना elections, जिस देखो ना parliament की supremacy को sustain किस तरह किया जा सकता है, जब public mandate को representation दे, public mandate को representation लेगी through right of vote, लोग अपनी मर्जी से अपनी choice को express करें, लोगों के पास अपना राइट एक्सप्रेस करने का क्या टूल है, वोट। वोट के जरिए अपना मैंडेट रिफ्लेक्ट करेंगे, वो मैंडेट जब पार्लियामेंट के अंदर उनको रिप्रेजेंट करेगा तो वो फिनोमेना जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है, या हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक मैंडेट। उसके लिए मनार्क के हाथ बांध दिए गए और उसको लिमिटेड कर दिया गया कि वो उन टूल्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा जहां पे पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को वायलेट किया जाए, ना इलेक्शंस में इंटरफेयर करेगा और ना फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये बड़ा जरूरी है, आपको पता है बहुत ज्यादा, लेकिन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेनेट है ना वो समझे ना कोई दुश्मनी है ना कोई चौराहा है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो फिर क्या डेमोक्रेसी, क्या पब्लिक राइट्स और क्या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है। मेरे ख्याल से जहाँ पे लोगों के पास बोलने की आजादी नहीं है वहां पे पार्लियामेंट का वजूद होना ही चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि जो उसको इलेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उनको तो आजादी मिले। वो आजादी जब ना हो ये आपको नजर आएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग डेजिग्नेशन है मोनार्की का, और उससे आप देखें उसका स्टेटस क्या हो गया वहां पे कि वो किसी भी तरह से ना इलेक्शन में इंटरफेयर करेगा ना प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट were not to be questioned in the courts। और अच्छा ये अब आपको नजर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई बहुत होता, आपको पता ना जो आपकी प्रोसीडिंग होती है नेशनल असेंबली की या सेनेट की, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये देखें जो आपकी मॉडर्न पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ना उसकी बुनियाद भी इसी में पड़ेगी, proceedings in parliament were not to be questioned in the courts or anybody outside parliament itself। parliament ke mamlaat parliament ke andar hal honge, parliament ki kisi proceeding ke upar na court koi decision legi na monarch uske upar koi intervention karna shuru karega। aur dekho ye hai founding principle jisne modern democracy ki buniyad rakhi। phir parliamentary supremacy ko agar aage dekhe to triennial act pass hua कि जिसमें सॉवरेन को पाबंद किया गया कि वो फ्रीक्वेंटली सेशंस बुलाएगा पार्लियामेंट के, ठीक है, पार्लियामेंट को तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाने का इख्तियार किसके पास था, मनार, और उसको उस बात के ऊपर बंद कर दिएगा किस एक्ट के जरिए, ट्रायंगल एक्ट, कि वेला भी नहीं बैठना, बार बार सेशन बुलाने ताकि लोगों के मसाइल के ऊपर डिस्कशन हो, पब्लिक राइट्स के लिए लेजिस्लेशन हो और पब्लिक कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, ठीक है। क्योंकि अब ये हो सकता था ना मनार अगर गुस्सा करे तो ये कहता जल्दी मैंने सेशन ही नहीं बुलाना, चला लो अपनी पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट चलाने के लिए सेशन बुलाना पड़ता है, एक ओपन डिक्लेरेशन होती है, फिर प्रोसीडिंग्स का सारा सेशन होता है। तो अगर वो कहता है कि अगर वो सेशन ही ना बुलाए तो क्या पार्लियामेंट सुप्रीमेसी आप उसको कर सकते हैं सस्टेन, तो उसको पाबंद बना दिया गया। देखो कितने एक्ट के जरिए उस बेचारे पे कितने कदम कराए गए, उसके लिए लाजमी कर दिया गया, was required to summon parliament frequently, reinforce this by requiring the regular summoning of the parliaments। parliament tightened control over the king's expenditure,
उसकी पॉकेट मनी के ऊपर देना तगड़ा कंट्रोल कर दिया कि वो ज्यादा जो स्पेंडिंग ना कर सके। अब देखो इसमें अच्छा तो अब देखेंगे पार्लियामेंट टाइटन कंट्रोल ओवर किंग्स एक्सपेंडिचर द फाइनेंशियल सेटलमेंट रीच्ड विद विलियम एंड मैरी डेलिबरेटली मेड देम डिपेंडेंट अपॉन पार्लियामेंट। फाइनेंशियल अफेयर्स के अंदर भी वो किसके लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट थे पार्लियामेंट के ऊपर। फाइनली द किंग वाज फॉरबिडन टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी। ये सबसे बड़ा पहले तो ये होता था ना कि जहां मर्जी जाके लश्कर के शिकार देखो मिलिट्री एक्सपीडिशन है तो उसमें सिंगल हैंडली को डिसाइड कर सकता है। अब ये पास आ गया पार्लियामेंट के पास कि किंग वाज फॉरबिडन टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी इन टाइम ऑफ पीस विदाउट पार्लियामेंट्री कॉन्सेंट। अगर उसने मिलिट्री स्टैब्लिश करनी है कोई मिलिट्री एक्सपेडिशन लॉन्च करनी है इट वुड बी सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट्री कॉन्सेंट। ये अब नजर आ रहा है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होती है के सारे राइट्स। अब ये यहाँ पे आपको एक्चुअल डेमोक्रेसी मिलता है ठीक है कुछ अरसा रही है वहां भी ये राइट्स मिले भी। अच्छा द किंग वॉज फॉरबिडन टू एस्टैब्लिश ये सबसे बड़ा पहले बात है ना दादे भी लगा देते थे और किसी को सजा मिल गई है तो उसको डिसीजन को चेंज करते थे ठीक है। द किंग वॉज फॉरबिडन टू एस्टैब्लिश हिज ओन कोर्ट्स और टू एक्ट एज अ जज हिमसेल्फ एंड अच्छा दूसरा कोर्ट्स को क्या बंद किया गया एंड द कोर्ट्स वर फॉरबिडन टू इम्पोज एक्सेसिव बेल और फाइंस और क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट यानी कि जुडिशियल रिफॉर्म्स भी लाए गए। इनह्यूमन यानी कि जब ह्यूमन राइट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें जुडिशियल ओवररीच या जुडिशियल एक्टिविज्म का जो पॉइंट है उसको भी एक्सपेक्टेड कर दिया गया कि जुडिशरी के पास भी इतनी ओवररीचिंग पावर नहीं है कि किसी को अनह्यूमन पनिशमेंट कर दे किसी को अनजस्टिफाइडली वो ट्रीट करे उसको भी क्या कर दिया गया रिफॉर्म किया गया जुडिशियल जुरिस्डिक्शन को। फिर ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ा कंसर्न था लेजिटिमेसी ऑफ हेयर का कि जो जानशीन कौन होगा और कैसे जानशीन मुकर किया जाएगा। आप देखो ना जो क्वीन मैरी थी उसका तो बेटा ही नहीं था इसलिए बहुत बड़ा कंसर्न था कि ब्रिटेन का अगला हायर कौन होगा। उसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट और ये आपने देखा होगा फ्रीक्वेंटली यही मसला आया है और ब्रिटेन का ना इस मामले के साथ बड़ा सेंसिटिव अटैचमेंट रही है। आपको तो जब वो इंडिया में आए थे उन्होंने एक डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस करवाई थी इसी से रिलेटेड कोई बच्चा बताएगा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि अगर किसी भी लोकल रूलर के पास कोई लेजिटिमेट मेल हायर नहीं होगा तो वो क्या करेंगे वो जो स्टेट है वो फॉल कर जाएगी अंदर ब्रिटिश रूल। तो ये इनका हमेशा से बड़ा सेंसिटिव रहा है कि वारिस होना चाहिए अगर वारिस होगा तो वही रूल आगे एक्सटेंड करेगा अगर नहीं होगा तो ब्रिटिश उसको कंट्रोल कर देंगे ठीक है। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1701 वाज डिजाइन टू सिक्योर द प्रोटेस्टेंट सक्सेशन टू द थ्रोन एंड टू स्ट्रेंथन द गारंटी फॉर इंश्योरिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें दो चीजों को किया गया कि आगदा जो भी सक्सीड करेगा थ्रोन को उसके लिए क्या होना जरूरी है प्रोटेस्टेंट नंबर वन और दूसरा वो प्रोटेस्टेंट जो सक्सीड करेगा उससे क्या परमिशन लेनी है कि वो पार्लियामेंट्री रूल को सस्टेन करेगा ठीक है। द एक्ट ऑल्सो लेड डाउन द कंडीशंस अंडर विच अलोन द क्राउन वुड बी हेल्ड और वो शरायत बता दी गई सिर्फ उन्हीं शरायत पे पूरा उतरता हुआ बंदा क्राउन बन सकता है। वो क्या शरायत थी नो रोमन कैथोलिक नॉर एनीवन अब देखें जरा ना वो रोमन कैथोलिक मॉनार्क बनेगा नॉर एनीवन मैरिड टू अ रोमन कैथोलिक ना वो जिसकी रोमन कैथोलिक से शादी हुई हो कुड होल्ड द इंग्लिश क्राउन यानी कि उन्होंने कैथोलिसिज्म को टोटली क्या कर दिया अबैंडन कर दिया इन टर्म्स ऑफ देयर मोनार्की और इन टर्म्स ऑफ एनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। द सॉवरेन नाउ हैड टू स्वियर अब भाई उसको हलफ भी देना पड़ता था टू मेंटेन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। आपको पता इंग्लैंड ने ना अपने जो चर्च था वो होली रोमन एम्पायर से सेपरेट कर दिया था कुछ रिफॉर्म्स किए थे कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ आपको
अकबर का पता होगा, अकबर बादशाह का, उसने क्या किया था, रिलीजियस टॉलरेशन को प्रमोट करने के लिए ना, या इंटर कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए सारे के सारे मजाहिब से कुछ बातें नहीं उनको मिक्स करके ना एक डॉक्ट्राइन बना, एक रिलीजियस डॉक्ट्राइन जिसको हम कहते हैं दीन ए इलाही। इसी तरह से इंग्लैंड के अंदर हुआ, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने क्या किया कि कुछ जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स थे और कुछ जो प्रोटेस्टेंट के कंसर्न्स थे उनको मिला के जो चर्च के अंदर कुछ रिफॉर्म्स ले गए। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो ट्रेडिशनल जो होली रोमन एम्पायर थी ना, वहां पे अल्टीमेट सॉवरेन कौन था, चर्च। मेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास थी, चर्च। आप अगर ट्रिटी ऑफ बेस्ट एरिया पढ़ते हैं 1648, क्यों हुई, क्योंकि चर्च के पास बड़ी पावर थी सारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन करने की। तो ब्रिटेन ने क्या किया, उस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से अपने आप को एक्साइज कर लिया और यहाँ पे चर्च के ऊपर सॉवरन किसको करण कर दिया, मोनार्क को। अब ये मेन डिफरेंस आपका ब्रिटेन के अंदर, अगर एक ब्रिटेन का चर्च है तो उसका हेड कौन होगा, मोनार्क, और जो होली रोमन एम्पायर है उसका ओवरऑल हेड कौन था, चर्च। तो ये ब्रिटेन ने थोड़ा सा ना डिफर किया था मेन ट्रेडिशनल जो कैथोलिसिज्म थे, उन्होंने अपनी उनके बुक भी नहीं इंट्रोड्यूस करवाई थी, और ये बुक ऑफ प्रेयर, ठीक है। एन एक्ट, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट नॉट ओनली एड्रेस्ड द डायनेस्टिक एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेशन, इट आल्सो फर्दर रिस्ट्रिक्टेड द पावर्स एंड प्रेरोगेटिव्स ऑफ द क्राउन। अब देखिए जितने भी एक्ट पास हो गए सारे के सारे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को मजीद कंसोलिडेट करते हैं, और दूसरा जो राइट टू एक्सेशन है वो किसके लिए ज्यादा फेवरेबल कर रहे हैं, फॉर प्रोटेस्टेंट्स, किसी भी तरह से जो कैथोलिक है वो यहाँ पे आके रूल ना कर सके। अंडर द एक्ट पार्लियामेंट्री कंसेंट हैड टू बी गिवन फॉर द सॉवरेन। अब ये देखें, पहले तो ये था कि वो किसी भी तरह की स्टैंडिंग आर्मी स्टैब्लिश नहीं कर सकता था, अब दूसरा उसके ऊपर कदम क्या लगाया गया, अंडर द एक्ट पार्लियामेंट्री कंसेंट हैड टू बी गिवन फॉर द सॉवरेन टू एंगेज इन वॉर और लीव द कंट्री एंड जजेस। अब देखें ये तो होगा उसका वॉर से रिलेटेड, अब जजेस को भी सीधा किया गया, जजेस वर टू होल्ड ऑफिस ऑन अ गुड कंडक्ट एंड नॉट एट रॉयल प्लेजर। चापलूसी के लिए या मनार की खुशामद के लिए जजेस अपॉइंट नहीं होंगे, जजेस का काम है डिस्पेंसेशन ऑफ टाइमली जस्टिस, ठीक है। और इस तरह से जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बुनियाद डेमोक्रेसी के अंदर जो है ना अनइंटरप्टेड जुडिशरी बहुत एक फंडामेंटल उसका पिलर है, ठीक है। और डेमोक्रेसी के बगैर भी, सॉरी जुडिशरी के बगैर भी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें और कॉन्स्टिट्यूशनल इनडिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी इंश्योर किया गया थ्रू एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि काफी चीजें सेटल की गई इसके लिए। अच्छा, अब ये तो चीजें थी बड़ी पॉजिटिव और बड़ी ग्लेरिंग के विलियम के रूल के दौरान कौन कौन से पार्लियामेंट्री जो एक्ट से पास हुए और किस तरह से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को कंसोलिडेट किया गया। अब आते हैं चैलेंजेस की तरफ, क्या मसाइल क्या क्या इन्होंने फेस किए इस रूल के दौरान। सबसे पहला तो ये था, आप हमने पढ़ा कि जो फ्रांस था ना, इट वॉज कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू कंसोलिडेट इट्स होल्ड ओवर यूरोप, और क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था अपनी टेरिटरी को। तो अब विलियम्स के पास, क्योंकि विलियम हमेशा से चाहता था उसके पास एक स्ट्रॉन्ग अलायंस हो, तो अलायंस अब उसको मिल गया था, ठीक है। और उस अलायंस के बाद उसने पार्लियामेंट से कंसेंट लिया, कंसेंट लेके उसने मजीद स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाया प्रोटेस्टेंट स्टेट्स का, और क्या किया, फ्रांस के अगेंस्ट एक मिलिट्री एक्सपीडिशन लॉन्च कर दी। अब ऐसा नहीं था खुद से उसने फौज खड़ी की, सब कुछ किया, कंसेंट कहाँ से लिया, पार्लियामेंट से। The War of Grand Alliance, basically 9 साल की, 8 साल 9 साल की जंग है। The War of Grand Alliance, also known as the 9 Years War, was a conflict fought between an alliance of European powers, including England, the Dutch Republic, Spain, and others, against France. Louis XIV के against, ठीक है? The war was sparked by Louis XIV's expansionist policies and his efforts to gain territorial gains and dominance in Europe. William III played a significant role in leading the alliance against France. The war concluded with a treaty of Ryswick in 1697,
which established a balance of power and returned many conquered territories to the previous owners. Now, देखें. यहाँ से आप एक चीज नजर आएगी, अगर ब्रिटिश मोनार्की को कंटेल किया गया पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के जरिए, इसके बावजूद जो आपके पास विलियम है ना, वो अपने डिजाइन्स को फॉरवर्ड करता रहा। उसके जो मोटिव्स थे, क्या उसका मोटिव था? टू एक्सपैंड इन्फ्लुएंस, टू एक्सपैंड टेरिटरी एंड टू एनहांस ज्यूरिसडिक्शन। वो तीनों उसने किए हैं, लेकिन लेजिटिमेट वे में। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट को सुपरसीड किया या पार्लियामेंट को ओवरराइड किया, पार्लियामेंट्री कंसेंट लिया है और क्या बनाया है, एक अलायंस। इसको ऑक्सबर्ग अलायंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सबर्ग अलायंस। और ये किसके अगेंस्ट? आप देखो, ये बेसिकली देखो, बहुत जब भी यूरोप में, इंडिया में आपको पता है, एंशियंट और मिडिवल यूरोप में सारी की सारी जंगें रिलीजन से इंस्पायर होकर लड़ी जाती थी। तो दो फोर्सेस, एक तरफ आपके प्रोटेस्टेंट्स और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट्स में कौन कौन थे? इंग्लैंड, डच रिपब्लिक एंड स्पेन, ओके। और इधर कौन था? फ्रांस। और वॉर हुई क्योंकि फ्रांस की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज की वजह से। फ्रांस क्या कर रहा था? बिल्कुल जी जी, एक सवाल था बेटा, सवाल आप लिख के रख लें, उसको जल्दी से कंप्लीट कर लें, फिर आपका क्वेश्चन एड्रेस करूंगा, सारी क्वेश्चन एड्रेस करूंगा। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जब जेम्स एग्जाइल में चला गया ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, वो कहाँ पे गया? फ्रांस। तो फ्रांस में उसके प्रोग्रेसिव बड़े अच्छे रिलेशन से पहले भी, तो फ्रांस उसको सेफ हैवन प्रोवाइड किया, वहां पे जाकर फ्रांस उसको फैसिलिटेट किया इन एस्टैब्लिशिंग अ शॉर्ट फाइटिंग फोर्स, ठीक है, बड़ी क्विक फाइटिंग फोर्स उसको दी। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो दोबारा वापिस आएगा और थ्रोन को क्या करेगा, रीएक्सेस करेगा, ठीक है। तो फिर वहां पे बगावतें शुरू हुई अगेंस्ट द मोनार्की, उनको हम कहते हैं जैकोबाइट। ये आपका सिलेबस में डिटेल से टॉपिक है, ठीक है। बेसिकली फाइव वॉर्स थी और बड़ी ब्लडी वॉर्स थी। अगर हम सिर्फ इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आगे चल के पूरा एक हेडर बना हुआ है जैकोबाइट वॉर्स का, ठीक है। तो जैकोबाइट इनको अपराइजिंग भी कहते हैं, या जैकोबाइट इनको रिविलियन भी कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, विलियम के अगेंस्ट एक मिलिट्री ऑनस्लॉट लॉन्च किया, जिनको हम कहते हैं जैकोबाइट वॉर्स। विद जेम्स टू इन एग्जाइल एंड विलियम एंड मैरी ऑन द थ्रोन, नॉट एवरीवन एक्सेप्टेड द चेंज ऑफ पावर। उसको हमने जल्दी से फिल करवाया देनी है, जो सारे आपने पढ़ लिया पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, तो आपको पता है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होती है।
अच्छा जैकोबाइन रेवोल्यूशन की जब बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये रिविलियन हुआ तो किसकी तरफ हुआ होगा, प्रोटेस्टेंट्स या कैथोलिक्स? शाबाश, क्योंकि किसको सपोर्ट कर रहे थे? जेम्स को, और जेम्स क्या था? कैथोलिक। ठीक है, तो कोई भी अगर वहां पे अलाइनमेंट्स थे या किसी की अफिलिएशन थी, दे वर प्योरली डिफाइंड बाय अ सिंगल फैक्टर, दैट वाज रिलीजन। तो इन आयरलैंड व्हिच हैड अ प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक पॉपुलेशन एंड स्कॉटलैंड वेयर देयर वाज अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट फॉर द स्टुअर्ट्स, द जैकोबाइट कॉज फाउंड फर्टाइल ग्राउंड। Ireland in particular became the focal point of the Jacobite rising of 1689. उसके बाद यही जैकोबाइट जो रिविलियन थे आगे चल के डिसाइसिव और एक मैसिव वॉर की शक्ल इख्तियार कर गए, जो कि लंदन के करीब रिवर ऑफ बोएन के किनारे लड़ी गई थी। ठीक है, और दिस वॉर द डिसाइसिव वॉर, इसमें अल्टीमेटली इस रिविलियन को एक दफा सप्रेस कर दिया गया, लेकिन जड़ से एक्सटर्मिनेट नहीं किया, क्योंकि इसमें फिर जेम्स जान बचा के भाग गया था। So in 1690, James II landed in Ireland with French assistance and support from Irish Catholic Jacobites. He aimed to gather a force and challenge William III's rule in Ireland, where Catholic sentiment was strong. The two kings' armies eventually met near the river Boyne. On 1st July 1690, the forces of William III and James II faced each other across the Boyne. William III led the Williamite forces, composed mostly of the Protestants and supported by the Dutch. ये डायनेस्टी से कुछ ना, हाउस ऑफ डायनेस्टी जैसा स्टुअर्ट थे ना, उनके अंदर आपको नजर आते हैं जेम्स, जेम्स वन, जेम्स टू, ठीक है, चार्ल्स, चार्ल्स वन, तो ये बेसिकली डायनेस्टिक फैमिलीज होती है जिनके नाम ऐसे चलते हैं। या जिस तरह आप देखें ना इंडिया के अंदर एक मेन शाहजहां था ग्रेटर मुगल्स में, फिर उसके बाद लेसर के अंदर भी एक शाहजहां था। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। तो उसमें जब दोनों फोर्सेस का इंटरेक्शन हुआ, विलियमाइट फोर्सेस का और जेम्स फोर्सेस का, तो मिलिट्री सुपीरियरिटी किसके पास थी?
जो क्वांटिफिकेशन की मेजोरिटी वो किसके पास थी, विलियम के पास, और इस तरह उसने जेम्स की फोर्सेस को आउटनंबर किया और इस वॉर में डिसाइसिव विक्ट्री उसको मिली, लेकिन इस वॉर को वो कंक्लूड नहीं कर पाया, जीत तो ली लेकिन कंक्लूड नहीं कर पाया, क्यों? उसे वो जेम्स फिर भाग गया जान जान। Despite the valiant efforts of the Jacobite cavalry, the disciplined and well-trained Williamite infantry managed to push them back. James, fearing capture, eventually fled the battlefield and returned to France, leaving his army to continue fighting without their king's leadership. His departure further demoralized the Jacobite forces. The Battle of Boyne may have been a victory for William, but it was far from decisive. William's failure to destroy the Jacobites or adequately pursue the retreating army only made it more difficult to quell the rebellion army. यानी कि बगावत को नहीं कुचल पाया, उसे वहां से भगा दिया, जो कि बाद में दोबारा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बना। ठीक है, तो ये था क्वीन मैरी और विलियम का इरा, जिसके अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हमने देखी, कुछ एक्ट पास हुए जैसा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ प्रोग्रेशन और ट्राइरियल। ठीक है, आगे थोड़ा सा हमने पढ़ना है क्वीन मैरी का। ठीक है, उसकी कुछ बेसिक सी बातें मैं समझ के देता हूँ, बता देता हूँ बस वही आप लोग। ठीक है, अब देखिए 1702 तक था आपके पास विलियम के इरा, और 1702 के अंदर थ्रोन को एक्सीड करती है क्वीन मैरी और वो लीड करती है 1715। अब उस दौरान जो मेजर डेवलपमेंट हम पढ़ लेते हैं, और अगेन आपको पता ब्रिटेन के अंदर मोनार्की में एक तो उनकी जो पावर स्ट्रगल थी, उसके बाद सबसे बड़ा स्यापा क्या होता था, वारिस नहीं हो, इनका भी कोई वारिस नहीं था। जब वारिस नहीं था तो जो आपकी ये स्टुअर्ट, शी वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ स्टुअर्ट फैमिली। ठीक है, तो जब मेंबर कोई भी अब जब देखे क्वीन एनी ने थ्रोन को एक्सीड किया, तो सबसे पहले उसको सामना करना पड़ा वॉर ऑफ सक्सेशन इन ये। देखिए जो आपके पास जेम्स टू है ना, उसके आप नीस बांजी या बतीची टाइप इसका रिलेशन है, अगर आप देखें हाँ उसी फैमिली से ब्रिटानिका, और जो आपके पास ब्रिटेन है ना म्यूजियम, उनके मुताबिक शी वाज द नीस ऑफ द स्टुअर्ट फैमिली जेम्स। अच्छा, तो क्वीन एनी के दौर में जो मेजर डेवलपमेंट हुई वो कौन कौन सी थी? वॉर ऑफ सक्सेशन इन फ्रांस। अब फ्रांस में किंग था चार्ल्स टू, कौन था? अब चार्ल्स टू का अपना तो कोई हायर था नहीं, सेम वही लेजिटिमेट हायर का मसला। इसने मरने से पहले जब अपनी विल लिखी, उसमें इसने किसको डिक्लेयर कर दिया अपना हायर? किसको? जेम्स को, फिलिप को। किसको कर दिया? फिलिप को। अब जो फिलिप था ना, ही was the grandson of Louis XIV, France का जो मोनार्क था वो कौन था? Louis XIV। उसका जो grandson था वो कौन था? Philip। और उसको किसकी सक्सेशन मिल गई? स्पेन। फ्रांस में यार मौजूद था ना Louis XIV। अच्छा, अब जब फिलिप आया ना सक्सेशन में, तो उसके बाद एक राह हमवार हो गई अलायंस की, किसकी के दरमियान? स्पेन एंड फ्रांस। और लुईस 14 ने डिक्लेयर किया कि हम क्या करेंगे, फ्रांस और स्पेन और फ्रांस को यूनिफाई करेंगे, और इस तरह ब्रिटेन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट अलायंस बनाएंगे। अब जब ये डील हुई इनके दरमियान, तो बैकलैश आया कहां से? ब्रिटेन से। बैकलैश फ्रॉम ब्रिटेन, उसके अगेंस्ट ब्रिटेन ने क्या किया, एक अलायंस फॉर्म किया। ठीक है,
और ये वही अलायंस था जो बना के कौन गया था, विलियम। और लेकिन वो अपनी लाइफ में इस वॉर को कंक्लूड होता नहीं देख पाया, 72 उसकी डेथ हो गई, उसको कंटिन्यू किसने किया, कोई एनी ने। अब ये वही ऑक्सबर्ग अलायंस था जो किसके अगेंस्ट लड़ा, फ्रांस के अगेंस्ट, और मल्टीपल वॉर्स में फ्रांस को डिफीट किया गया। और जब फ्रांस को लगा कि अब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, शायद वो अपनी टेरिटरीज भी लूज कर दे, तो फिर एक ट्रीटी साइन हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट। क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट साइन की गई, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टेरिटरीज थी वो किनको दे दी गई, ब्रिटेन को। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे बताएं, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान कौन सी स्ट्रेट आ रही है, उधर देखो सर, मलाका, यार वहां किधर, मलाका तो यहाँ आपके पास पड़ी हुई है, यहाँ पे आप बैठे हुए, ऊपर जाएं आप, जाएं साउथ, साउथ अफ्रीका जो सबरन अफ्रीका है ना, उसके और यूरोप के दरमियान स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये किसको दे दी गई, ब्रिटेन को, किस ट्रीटी के तहत, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, ठीक है। इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया गया क्वीन एनी के दौर में, वो था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी और जो स्कॉटिश पार्लियामेंट, उनको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, किसके जरिए, एक्ट ऑफ यूनिफिकेशन, क्या किया गया, मर्ज, 1707 में एक एक्ट पास हुआ जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन या एक्ट ऑफ यूनिफिकेशन, और इसमें ब्रिटिश और स्कॉटिश असेंबली को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। फिर इस दौर में कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, वजह क्या थी, जो मेन कान टूटा था यूरोप का, फ्रांस, उसको काबू कर लिया गया, और उसके जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री पोजेशन थे वो क्या हुए, आपस में बंट गए थे अलाइज के। इसी तरह आपके पास इन्होंने आर्ट के लिए बड़ा काम किया, और आपको तो हमेशा जब भी औरत का रूल आता है ना, तो औरत की सॉफ्ट पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो हार्ड पावर ज्यादा रिलाई करती है सॉफ्ट पावर, सॉर्ट पर वही आपका आता है आर्ट, लिटरेचर और आपके दूसरे जो आइडियाज हैं, ठीक है। और इसीलिए क्वीन एनी के दौर को ब्रिटिश हिस्ट्री में हम कहते हैं ऑगस्टन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्या कहते हैं, और उसके बाद शी वाज हायरलेस, कोई लेजिटिमेट हायर नहीं था, इस तरह जो मोनार्की थी उसके डेथ के बाद वो कहां पे शिफ्ट हो गई, हैनोवर्स की फैमिली में, और इस तरह ब्रिटेन में नेक्स्ट हम कौन सा इरा स्टार्ट करेंगे, हैनोवेरियन। अच्छा, जो जितना पढ़ा है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन है उसकी डेथ, अगर उसको आप, वो इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल से इवेंट्स हैं, सारी की सारी चीजें बेसिकली पावर पॉलिटिक्स के ऊपर बेस कर रही हैं, और ड्राइविंग फोर्स क्या है, रिलीजियस डिफरेंसेस, वो आपको पता होना चाहिए कि मेजर एक्टर्स कौन से हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है और डच रिपब्लिक, जिसमें ब्रिटेन जो है दैट इज अ प्रीडोमिनेंट प्रोटेस्टेंट, जिसका रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है किसके साथ, फ्रांस के साथ, फ्रांस, हाँ फ्रांस का कॉन्फ्लिक्ट है स्पेन के साथ, सॉरी उसके साथ, डच रिपब्लिक के साथ, और ये जो इनके इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली क्या डिफाइन कर रहे हैं, इनके अलायंसेस और इनके दरमियान स्ट्रगल ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। तो आप लोगों ने काम करना है कि क्वेश्चन नंबर आसान दो, कल वाला सिंपल था, बस यही बताना था कि क्या ब्रिटेन जो है उसका एक यूनिफाइड कल्चर है, कम्युनिटीज इंटरेक्ट किया, तो अल्टीमेटली कोई सिंगल इंडिजिनस कल्चर तो रहता ही नहीं है, जिस तरह इंडिया है, क्या इंडिया का ही कल्चर है, इंडिया में जो जो फोर्स आके इंटरेक्ट करते हैं उसका अपना इंपैक्ट है, सब आए तो उसका आपको लैंग्वेज की फॉर्म में, ड्रेसिंग की फॉर्म में, और आपके पास फोर्स की फॉर्म में इंपैक्ट नजर आता है। ब्रिटेन आए तो हमारी एजुकेशन, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम और हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो सारा, वो अपना असर छोड़ गए, तो जो जो फोर्स
किसी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करती है वो उसके ऊपर अपना एक विजिबल इम्पैक्ट छोड़ कर जाती है। और ब्रिटेन के अंदर आप देखो कि फोनेशियन से लेके नॉर्मन्स तक जो वाइकिंग्स हों, एंग्लो-सैक्सन्स हों या आपके पास रोमन्स हों, सब ने कोई ना कोई इम्पैक्ट छोड़ा है जो आज ब्रिटेन की कम्युनिटी का आपको नजर आता है। ठीक है, तो यह आपका जो सिलेबस का पहला सेक्शन वो कम्प्लीट हो गया, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसके बाद विलियम और क्वीन मैरी का या उसके बाद क्वीन हैरी का, ये मेजर बस। और आमतौर पर जो क्वेश्चन आता है वो आपका कहाँ से आता है, ग्लोरियस सिग्निफिकेंस आ सकती है, कॉजेज आ सकते हैं और लेगेसी। ठीक है, लेगेसी के अंदर आप उसकी डोमेस्टिक लेगेसी भी देखेंगे और उसकी ट्रांसकॉन्टिनेंटल भी देखेंगे कि इसने अमेरिकन रेवोल्यूशन को इंपैक्ट किया, इसने वीमेन की पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से रोल प्ले किया, और इसके अलावा जितनी भी नॉन वायलेंट मूवमेंट्स थी दुनिया में उसको भी इसने इंपैक्ट किया, डेमोक्रेसी की कॉज को इसने स्ट्रॉन्ग किया। सिग्निफिकेंस ये लिखो कि इसने ना जो पावर रिलेशन था बिटवीन पार्लियामेंट और मोनार्की उसके अंदर पैराडाइम शिफ्ट ले किया, कि जहां पे पहले जो लॉ था ना इट यूज्ड टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ किंग, इसने किंग को लॉ का सब्जेक्ट बना दिया। वैसे ये बेसब नहीं हो रहा है, देखो लेगेसी का मतलब ये है कि जब रेवोल्यूशन आया उसके बाद उसके आउटकम्स क्या आए, सोसाइटी ने क्या एक्सपीरियंस किया। सिग्निफिकेंस तो आपके सामने यही सबसे बड़ी है ना, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी रिस्टोर कर दी। तो सिग्निफिकेंस और लेगेसी ऑलमोस्ट एक ही बात है, इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन सिग्निफिकेंस में ये है कि आप सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं, लेगेसी में अगर कोई नेगेटिव है तो वो भी आ जाए, उसकी वजह से नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या है और पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या है। ठीक है, तो ये आपका पहला सेशन कंप्लीट, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है या कोई वो नहीं है कि जिसको आप लगे कि बड़ा ओवरबर्डन हो गए, जिसमें स्पेन की सक्सेशनिस्ट वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेशन थी, उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, ब्रिटेन और स्कॉटिश पार्लियामेंट को मर्ज कर दिया गया, उसके बाद उन्होंने लिटरेचर के, हाँ जी, और लिटरेचर के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, इसी वजह से ऑगस्टन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और बाकी जो सबके साथ स्यापा होता था हायर का उनके साथ भी था, शी डिडंट हैव एनी लेजिटिमेट हायर, सो मोनार्की वाज शिफ्टेड टू अनदर हाउस बिलोंग टू हेनरी, ग्रेट ब्रिटेन का बड़ा यूज है ये यूनिफिकेशन है। उसके बाद अभी आज जब होगा ना इसके साथ आयरलैंड भी मिलेगा, फिर ग्रेट ब्रिटेन का अभी यूनाइटेड किंगडम बन। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन के बाद ये बन गया यूनाइटेड किंगडम, तो जब आयरलैंड भी मिल जाएगा फिर बन जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये आपकी आपको शेयर हो जाएगी। अच्छा बेटा, दूसरी चीज, ये जो आपका स्लाइड्स का कंटेंट है ये मोर देन इनफ है, मैंने कल भी कहा था कि बुक्स आप खुद 6-7 पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके निकलेंगे, तो स्लाइड्स विल बी मोर देन इनफ। एक चीज जो आपके कॉन्टेंट को मजीद रिफाइन करेगी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस और पेपर प्रेजेंटेशन है। मैप्स देखो, जब आप बात करोगे ना यूरोपियन पावर पॉलिटिक्स की, वहां पे फ्लो चार्ट्स बनाओ, नहीं भी पूरा मैप बनाना आता यार, तो ये होता है एक सर्कल बनाने में क्या मसला होता है, यहाँ पे लिखो ये ब्रिटेन है और इधर बना दो फ्रांस, उनके दरमियान एरो से शो करो क्या रिलेशन है, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, जैसे आप करते हैं ये सारी चीजें यार, इसी और यही इसी को हम कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन, यही आप इंफोग्राफिक्स है कि आप अपने टेक्स्ट को प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल वही जो मैप है वो ड्रॉ, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पेपर में क्रिएटिव टच आना चाहिए, यानी कि फ्लो चार्ट्स बना लें इन्फो, देखो ना फ्लो चार्ट कैसे बने, बड़े इस पर तो बने ही और बहुत सारे फ्लो चार्ट, अगर हम वॉर ऑफ सक्सेस को बात करते हैं तो सिंपल ये लिखेंगे के सक्सेशन ऑफ फिलिप्स किसके लिए फेवरेबल थी, शाबाश, फेवरेबल फॉर, ये इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट, क्या इसमें मसला है, फिर नीचे करो अगर उसके लिए फेवरेबल थी तो अब लिखो यहाँ पे दिस इज ब्रिटेन,
एंड दिस इज फ्रांस और इनके दरमियान क्या थे कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे इससे क्या आई रिजेंटमेंट आई फ्रॉम ब्रिटेन उसके बाद आपके पास फिर ग्रैंड अलायंस बना वॉर्स हुई अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट साइन हुई और उसमें जो जस्ट सेटलमेंट हुई और जो फ्रांस के एक्सपेंशन डिजाइन थे उसको फॉर द टाइम बीइंग क्या कर दिया गया चेक कर दिया गया कर्टेल कर दिया गया तो ये आपके पास होते हैं फ्लो चार्ट्स या इंफोग्राफिक्स इसका फायदा पता क्या होता है कि जहां पे आपने एटलीस्ट कोई 20-25 मिनट लगा के कोई टेक्स्ट लिखना है ना चार से पांच मिनट में आप उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल कॉन्टेंट जो है वो जनरेट कर और इसके मार्क्स भी ज्यादा होते हैं टेक्स्ट से ज्यादा जो इम्पैक्टफुल होता है ना सी एस एस के पेपर में देखो वो भी आकर इंसान है आपका एग्जामिनर भी तो जो चीज उसके लिए जितनी कन्वीनियंट होगी ना अंडरस्टैंड करना आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट उतना अच्छा आएगा टेक्स्ट को ढूंढना के बाद क्या की जा रही है ज्यादा टेक्स्ट लिखने से भी गुरेज किया करो मैक्सिमम हेडिंग्स डाइवर्सिटी और एक ही आइडिया बार बार ये ना कि एक हेडिंग बनाई अगली हेडिंग उसी की कोई ना कोई किस्म चल रही है वर्ड चेंज करके आइडिया यही चलता है मल्टीपल आइडियाज देते हैं ठीक है कॉजेज ऐसी ना हो सोशल कॉजेज हैं और आगे वो एक ही सोशल कॉज का सिनोनिम लिखी जा रही है आइडिया नहीं आते तो उसी को एक्सपेंड करना है डाइवर्सिटी ऑफ कॉन्टेंट प्लस डाइवर्सिटी ऑफ पुटिंग इन योर इंफॉर्मेशन टेक्स्ट जितना थोड़ा रखोगे उतना आपके लिए ज्यादा पेपर स्कोरिंग बनेगा ठीक है फ्लो चार्ट्स बनाओ इंफोग्राफिक्स बनाओ हैंड राइटिंग अच्छी करो डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स यूज करो ठीक है और मैप्स बनाओ ताकि पता चले कि आपको ना वहाँ की ज्योग्राफी का भी पता है क्योंकि आप लोगों ने बुक पढ़ी है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी का कॉन्फ्लिक्ट में ना बट कॉन्फ्लिक्ट और ज्योग्राफी का चोली दामन का सवाल है और ये बात प्रूवन है बड़ी थीरीज है हिस्ट्री के अंदर कि ज्योग्राफी स्टेट का बिहेवियर डिफाइन करती है कोई स्टेट बड़ी पीसफुल होती है कोई बड़ी अग्रेसिव होती है तो डिफाइनिंग फैक्टर में ज्योग्राफी आ जाती है अगर यही ब्रिटेन वो सात समंदर दूर पड़ा होता यूरोप से पार क्या इसकी यही पॉलिसी होती जब फ्रांस कहीं और होता तो क्या ब्रिटेन उससे इनसिक्योर होता नहीं ज्योग्राफी बहुत बड़ा एलिमेंट होता है किसी भी स्टेट का फैक्टर डिफाइन करने में या किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने में ठीक है सर आज की कोई असाइनमेंट है बस एक सेकंड मैं आपके सारों के क्वेश्चन देता हूँ जी हाँ जी करें क्वेश्चन सर आज को असाइनमेंट दिया आपने समय नहीं आई बेटा आज की स्लाइड असाइनमेंट असाइनमेंट हाँ मैं असाइनमेंट आपको ना ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के भी शेयर हो जाएगा ठीक है सर स्लाइड जी जी मैं ग्रुप में शेयर कर जी किस और कोई क्वेश्चन किसी का ठीक है कोई क्वेश्चन